है और राजनीतिक विशेषज्ञ इस पर क्या कहते हैं। एके मिश्रा साहब हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और गोविंद ठाकुर हमारे एडिटर हैं नेशनल अफेयर्स के, वो हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। और अमर सिंह कांग्रेस मुख्यालय से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अमर, किस तरीके का माहौल वहां पर, क्योंकि ट्वीट के जरिए यहां पर अपील की गई है राहुल गांधी की ओर से कि सब लोग ध्यान रखें और वोटिंग के लिए निकलें, ये सारी बातें की गई हैं। अभी तो अगर कांग्रेस मुख्यालय की अगर बात करें तो राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं से 10 बजे मुलाकात करेंगे। जरा एक नजारा मैं आपको दिखाता हूं कि चुनाव के वक्त में अमूमन राहुल गांधी यहां पर नहीं होते हैं। जरा देखिए ये भीड़ भाड़ जो आपको दिख रहा है वो एक संकेत है, क्योंकि कर्नाटक में चुनाव है और कांग्रेस मुख्यालय जो दिल्ली में है उसमें राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं या लोगों से मिल रहे हैं कि आखिर क्या रहा और किस तरह का ये चुनाव रहा। आपने देखा होगा कर्नाटक चुनाव में कई ऐसे मुद्दे आए जिसमें विवाद भी हुआ और कह सकते हैं कि दोनों प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के बीच में जो संवाद रहा वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष था, एक दूसरे ऊपर हमला था। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस चुनाव में जहां नरेंद्र मोदी थे वहीं राहुल गांधी इसके सामने थे। लेकिन तीसरी अगर मोर्चे की अगर बात करें, तीसरे लोगों की अगर बात करें, एक मुख्य भूमिका में है और ये कहा जा रहा है कि जेडीएस अगर कांग्रेस पार्टी हो या जेडीएस, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का नजदीकी माना जाता है जेडीएस, उनके तरफ से बातचीत चल रही है कि आखिर वक्त समय ऐसा आएगा तो वो उनके सहयोग कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी का ये भी कहना है कि कांग्रेस वो कि उनकी सरकार बनेगी, क्योंकि पिछले 5 सालों में जो उन्होंने जो काम किया था उसका एक माइलेज इनको मिलेगा, क्योंकि सिद्धार्थ रमैया जो एक पॉपुलर वहां के मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने आपने देखा कि गली गली जाकर के लोगों से मिल करके अपने को मतदान करने का उन्होंने आह्वान किया है। वहीं राहुल गांधी भी गए थे, लेकिन जो मेन लड़ाई जो ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में जो वो है वो वाकयुद्ध जो आपने देखा, क्योंकि जो भी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के बड़े स्टार प्रचारक गए थे, अमित शाह हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो हिंदी में बोल रहे थे, अमूमन कर्नाटक के जो लोग हैं वो अपने अपने भाषा में बोलते हैं या तो इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये एक मैलेज है, क्योंकि इंग्लिश में राहुल गांधी स्पीच दे रहे थे और एक कह सकते हैं कि ये भी दिखने लगा था कि जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो लोग समझ रहे थे अंग्रेजी में बोलने वाले। वहीं फिर ये शीर्ष इस रणनीति को मात देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने खुद को एक ट्रांसलेटर रखा, उसके बाद उसको उस भाषा में ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। तो ये एक भी खेल था भारतीय जनता पार्टी को। ये लग रहा है कि जो ग्रामीण इलाका है वहां वो कमजोर है, इस वजह से लगातार जो अध्यक्ष हैं अमित शाह जी बिल्कुल लगातार कोशिशें यहां पर मिला ही पार्टियों से होती रही में जाकर गांव में। आपके पास लौटता हूं, एके मिश्रा जी हमारे साथ हैं राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर। मिश्रा जी, किसी चीज की यहां पर कमी नजर आई, कुछ मिसिंग नजर आया, या फिर पूरी तैयारी के साथ दोनों ही पार्टियां यहां पर मैदान में उतरी? नहीं सिंह साहब, देखिए मैं बताऊं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं और जितने भी कैंडिडेट हैं उनका एक ही उद्देश्य होता है और उनके मन में एक ही चीज चलती है कि इलेक्शन है तो हम जीते, कौन नहीं जीतना चाहता है। बिल्कुल। और अपनी अपनी समझ के हिसाब से, अपने अपने प्लानिंग के हिसाब से हर एक आदमी, हर एक कैंडिडेट जब चुनाव में उतरता है पूरी तैयारी के साथ उतरता है और फॉर ए पर्टिकुलर दैट मोमेंट, उस क्षण के लिए, उस महीने के लिए अगर देखा जाए तो उनकी समझ से यह होता है कि हमारी तैयारी पूरी है। तो उनके हिसाब से देखा जाए तो उनकी सारी तैयारियां पूरी थी। उन्होंने जो अपना घोषणा पत्र बनाया वो बेस्ट घोषणा पत्र है, उन्होंने जो रैलीज की जो भाषण दिए वो उनके हिसाब से बेस्ट है। अब स्ट्रेटजिक अगर एनालिसिस आप देखेंगे तो यहां पे अगर मैं 3 लीडिंग पार्टियों की एनालिसिस करूं, देखिए जेडीएस के लिए मैं अगर आपको बताऊं तो जेडीएस तो नेपथ्य में चली गई है। आप टीवी और मीडिया वगैरह भी देखिए तो ये उतना माइलेज या अपने आप को पोजिशन नहीं खेल बिगाड़ सकती है या बना सकती है कि इस स्थिति में ये क्या नजर आती है। नहीं देखिए, जैसे सारे टीवी चैनलों का अभी एनालिसिस है कि भाई हंग टाइप का रिजल्ट आएगा। अगर हंग टाइप का रिजल्ट आता है तो डेफिनेटली एनी अदर, इवन निर्दलीय अगर आप पिछले इलेक्शन में देखेंगे तो 9-10 सीट निर्दलीय थे, वो भी खेल बनाया बिगाड़ सकते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है पिछली बार भी 2013 में जब इलेक्शन हुए थे तो जेडीएस को कोई मौका नहीं मिला न समर्थन लेने का न देने का, क्योंकि बॉर्डर लाइन क्लियर कट मेजॉरिटी आ गई थी। अब की बार बॉर्डर लाइन क्लियर कट मेजॉरिटी से भी ज्यादा मेजॉरिटी आएगी, तो मुझे लगता है जेडीएस को, जो मेरा प्राइमा फेसी जो मेरा है, होने को कुछ भी हो सकता है, जेडीएस जो पिछली बार इनके 40 सीट थे वो शायद ये 25 सीट तक सिमट जाएंगे,
इनको और लॉस होगा, उसका रीजन है। गेन अगर किसी को होगा तो बीजेपी को गेन होगा, अगर कांग्रेस आती है तो सेकंड नंबर पे कांग्रेस को गेन होगा। और देखिए, जब आंधी चलती है तो जो सबसे कमजोर होता है, जो सबसे कमजोर झोपड़ी होती है, उसी को नुकसान सबसे ज्यादा होता है। तो हर मामले में देखा जाए तो जेडीएस जो है बहुत दिनों से आउट ऑफ पावर है, इनकी वर्किंग स्टाइल वगैरह, तो सबसे ज्यादा नुकसान भी अगर इनको होगा तो ये जेडीएस को होगा। जेडीएस को तो ये कैलकुलेट करना चाहिए मुझे नुकसान कितना होगा। मेरे ख्याल से ये किंग मेकर की भूमिका निभाने की इनकी कंडीशन, इनको वो मौका नहीं मिलेगा सर। बिल्कुल, वो मौका नहीं मिलेगा जिस मौके का वो इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके की बातें 2013 में नहीं मिला, जब बीजेपी इतनी कमजोर थी 2013 में, तब कांग्रेस एकदम क्लियर कट मेजोरिटी से आ गई। उस वक्त की स्थिति और इस वक्त की स्थिति में फर्क आ गया है। आज बहुत मजबूत है, पूरे नेशनल लेवल पे देखिए। करना देखिए बीजेपी क्यों ये चुनाव, देखिए बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी वो दूसरी बात है, थोड़ा सा साइंटिफिक एनालिसिस करें। बीजेपी क्यों इतनी सीरियस है दक्षिण के लिए? बीजेपी का जो संकल्प है, जो घोषणा वाक्य है, उद्घोष वाक्य है कांग्रेस मुक्त भारत, इनका सपना तभी पूरा होगा जब ये कर्नाटक में आ जाए। ऑलमोस्ट सब जगह इन्होंने कांग्रेस को हटा दिया है, तो बीजेपी बहुत सीरियस इफर्ट ले रही है कर्नाटक के लिए, और उनको हर हाल में उनका टारगेट ये है कि जीतना है। आप कैंपेनिंग की अगर एनालिसिस करें तो उससे भी आप देख सकते हैं बीजेपी कितनी सीरियस है और कितनी संभल के चल रही है। योगी आदित्यनाथ जी को अगर लेके वहां पे जाया गया तो क्यों लेके जाया गया, इसकी क्या जरूरत पड़ी? और एक और चीज आप देखिए, बड़ी खास चीज है कि येदुरप्पा जी, जिन्होंने पिछली बार इतनी पदयात्रा करके सरकार बनाई थी, उनको बीजेपी ने बैक फुट पे रख दिया, उनको सामने नहीं किया कैंपेनिंग के लिए, उसका एक रीजन था। उनके साथ कुछ न कुछ क्वेश्चन मार्क भ्रष्टाचार के केसेस जुड़े हैं, तो बीजेपी ने दोनों हाथों में लड्डू रखते हुए अपने बड़ा स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट किया कि ठीक है येदुरप्पा को हम सीएम बना देंगे, लेकिन इनको हम सामने उतारेंगे तो विपक्ष जो है भ्रष्टाचारी का आरोप लगाते हुए हमारे कैंपेन को खराब कर सकती है। लेकिन बागी उम्मीदवारों की संख्या दोनों ही पार्टियों में कम नहीं है, बीजेपी या कांग्रेस जिसकी भी बात करें। गोविंद ठाकुर जी, आपसे ये समझना चाहूंगा यहां पर कि क्या स्थिति वहां पर बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जेडीएस अगर नेपथ्य में चली गई है तो फिर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर है, और इस तरीके भी इसको समझ सकते हैं। और आपसे यह समझना चाहूंगा कि क्या इसको एक नेट प्रैक्टिस के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अगले साल जब चुनाव होंगे लोकसभा के, तो उसमें इसका रिजल्ट काफी मायने रख सकता है। अवतोष, मैं मिश्रा जी की बात से थोड़ा सा फर्क रखता हूं, क्योंकि नेपथ्य की बात तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये बहुत बात है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुख्य मुकाबला है और सरकार यही दोनों बनाएगी, ये तो निश्चित है। रही बात जेडीएस की, तो उसमें 40 सीट 2013 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें उन्होंने लाए थे, और उसमें देखा था कि मिश्रा जी ने कहा कि येदुरप्पा उस समय नहीं थे, अलग पार्टी बनाया था, उनको 10% वोट भी आए थे, लेकिन 20% वोट अभी भी 2013 के चुनाव में जेडीएस को आया था, और उससे कहीं थोड़ी सी जो बॉर्डर लाइन है वो बीजेपी के पास 19% कुछ ऐसे परसेंट थे जी, तो वो उनको आए थे। ऐसे में ये नहीं कह सकते पूरी तरह नेपथ्य में। इस बार देखिए, जो जेडीएस है वो बीएसपी के साथ इस पर गठबंधन है, 30 सीट पर बीएसपी है, वहां पर चुनाव लड़ रही है, और साथ साथ आप देख रहे हैं कि जो मुस्लिम जो कुछ छोटे छोटे दल हैं ओवैसी के नेतृत्व में, वो उनके साथ उनका गठबंधन बना है। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ये गठबंधन बनके ये खेल बिगाड़ सकते हैं, ऐसा नहीं। हाँ, जरूर है कि कुछ सीट में इजाफा हो सकता है, कहीं पर ये लॉस भी जाएंगे तो कहीं पर गेन भी कर सकते हैं। 40 सीट पिछले चुनाव में जेडीएस को आया था, और इस बार अगर बीएसपी और ओवैसी मिलकर कुछ करें तो वोट परसेंट बढ़ सकते हैं। लेकिन अभी मैं कह रहा हूं कि जैसे मिश्रा जी ने यही बात कही है, मुकाबला जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही है। हाँ, एक बात जरूर है कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कर्नाटक के चुनाव क्यों जरूरी है, तो सबसे बड़ी बात है ये सिर्फ एक विधानसभा चुनाव हुआ पल्ले करता था, लेकिन इस बार विधानसभा नहीं, ये सेमीफाइनल की बात कही जा रही है। हालांकि पिछले चुनाव में भी सेमीफाइनल की बात आती थी, लेकिन इस बार सेमीफाइनल इसलिए है कि यहां पर एक टर्निंग प्वाइंट देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव 2019 में होने जा रहा है, अगर कांग्रेस यहां अपने जो किला है उसको बचा लिया जाता तो गठबंधन जो बनने की एक कवायद शुरू हुई है, तो इनका नेतृत्व माना जाएगा। अगर ये कांग्रेस वहां हारती है नहीं, ये मुश्किल हो जाएगा। यही चीज मैं समझना चाह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि सेमीफाइनल है, लेकिन हर इलेक्शन को सेमीफाइनल का रूप दिया जाता है, ये मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या जानबूझकर इस तरीके की कोशिश लगातार की जाती है सभी पार्टियों की ओर से, बीजेपी और कांग्रेस की खासतौर पर बात करें कि यूपी इलेक्शन की बात हो, बिहार इलेक्शन की बात हो, इस तरीके सेमीफाइनल का रूप दिया जाता है कि कितना यहां पर सीरियस हैं, कितना ज्यादा इसको लेकर सीरियस हैं कि
अब ये तमाम चीजें सामने आती हैं और ये सेमीफाइनल के तौर पर दिखने लगता है। मैं आपके पास लौटता हूं, बीजेपी दफ्तर में इस समय क्या हलचल है दिल्ली में? हमारे सहयोगी मनीष शुक्ला इस वक्त जुड़े हुए। मनीष, आप बताइए वहां पर किस तरीके की हलचल नजर आ रही है, कुछ असर कर्नाटक चुनाव का दिख रहा है वहां पर? देखिए, अगर हम राजधानी दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय की बात करें तो फिलहाल यहां पर कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि आज वहां पे कर्नाटक में वोटिंग हो रही है, इसलिए यहां पे चूंकि हम देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता यहां होने चाहिए थे वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, पदाधिकारी जो यहां पे होने चाहिए थे वो फिलहाल कार्यालय में नहीं है, क्योंकि जिस दिन मतगणना होती है उस दिन चूंकि नतीजे आते हैं उस दिन देखा जाता है कि जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो यहां सुबह से ही जब से मतगणना शुरू होती है तो यहां मौजूद रहते हैं। लेकिन अगर आज की हम बात करें तो आज बीजेपी मुख्यालय में हम कह सकते हैं सन्नाटा छाया हुआ है, और लेकिन जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो इस पूरे जो मतदान हो रहा है उस पर नजर बनाए हुए हैं। कहीं भी कोई अगर गड़बड़ी होती है तो बीजेपी ने इस बात की पूरी तैयारी रखी है कि तुरंत बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो चुनाव आयोग जाएगा और उस संबंध में दर्ज शिकायत जो है वो दर्ज कराएगा। तो कह सकते हैं कि भले ही बीजेपी मुख्यालय में यहां लोग कम दिखाई दे रहे हो, यहां समर्थक ना हो, लेकिन बीजेपी जो है वो पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दे रही है, पूरी तरह इसकी से नजरें बनाए हुए है, इस चुनाव जो मतदान हो रहा है उस पर नजरें बनाए हुए है, और कह सकते हैं दोनों ही दल, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अपने अपने दावे ठोक रहे हैं। अब ये देखना है कि जो भले ही प्रधानमंत्री नेपाल में है, मंदिर मंदिर को दर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनका दिल और दिमाग यहीं पर है, ट्वीट कर रहे हैं वो, वोटर्स से कह रहे हैं कि आप बाहर निकलिए और वोट करिए। जी बिल्कुल, दोनों ही, अगर जिस तरह प्रधानमंत्री पहले भी, हम अगर नरेंद्र मोदी की बात करें तो पहले भी चुनावों में वो अक्सर इस तरह की अपील करते रहे हैं वोटरों से कि घरों से बाहर निकलें और मतदान करें, क्योंकि ये आपका अधिकार है और ये बहुत आवश्यक है कि एक सही उम्मीदवार चुनने के लिए लोग अपने मत का सही उपयोग करें। और चाहे हम बात करें कांग्रेस पार्टी की भी, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी ये लगातार अपील की जा रही है कि लोग घरों से बाहर निकलें और अपना वोट डालें। अब इसमें है जो अलग अलग दोनों ही दल हैं, जो भी अपने अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि अपने अपने जो समर्थक वोटर्स हैं उनको घरों से बाहर निकाला जाए, क्योंकि अमूमन जो वोटर होता है उसकी सोच होती है कि अभी मतदान शुरू हुआ है, थोड़े समय बाद वोट डाला जाएगा। लेकिन जैसे जैसे चूंकि गर्मी का समय है, कई बार ये भी देखा जाता है कि जो वोटर सुबह वोट डालने को इच्छुक होता है, गर्मी के कारण फिर वो घर में बैठ जाता है, तो यही कहीं ना कहीं इससे भी काफी नुकसान होता है कि वोट नहीं डल पाता है। तो पहली कोशिश यही है दोनों दलों की, जो मतदाता हैं वो सुबह तकरीबन हम बात करें अगर 12 बजे के पहले कोशिश है दोनों दलों की कि वो बाहर निकल के आए और अधिक से अधिक जो मतदाता हैं वो अपना मताधिकार का प्रयोग कर सके। ठीक है मनीष, आपके पास आता हूं। गोविंद ठाकुर, आपसे वो जो सवाल था उसका जवाब जानना चाहूंगा कि सेमीफाइनल का रूप वाकई दिया जाता है और इसमें अगर किसी की भूमिका ज्यादा अच्छे तौर पर देखी जाए, बड़े तौर पर देखी जाए, तो भूमिका किसकी ज्यादा यहां पर देखी जाती, कांग्रेस की या बीजेपी की? क्योंकि छोटे छोटे चुनाव की हम राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा करते हैं। बिल्कुल, देखिए पहले के जो चुनाव होते थे उसमें इस तरह की जो सेंटीमेंटल लगाव और उस तरह की आक्रामकता नहीं दिखाई पड़ती थी, क्योंकि विधानसभा चुनाव सिर्फ क्षेत्रीय मुद्दे को लेकर हुआ करता था। लेकिन यह बात ही गलत है कि उसमें जो राष्ट्रीय मुद्दे थे वो नहीं होते थे। लेकिन इस बार के चुनाव जो कम से कम जब से बीजेपी 2014 के बाद से जो चुनाव लड़े हैं उसमें आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय मुद्दा हावी होता चला जाए, कि इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों जो हैं एक स्टार प्रचारक हैं और अच्छे वक्ता हैं, तो जो क्षेत्रीय जो वहां के मुद्दे हैं उस पर अपने जो केंद्र के जो मुद्दे हैं उसको हावी करना चाहते हैं, और कहीं न कहीं वहां पर जो क्षेत्रप हैं जो वहां पर चुनाव लड़ते रहे हैं उनको कहीं ना कहीं और पास कर जाते हैं। तो ये सेमीफाइनल का रूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर चुनाव जो विधानसभा के होते हैं उसके बाद एक चुनाव बाद दूसरे चुनाव जुड़े रहते हैं। अभी देखिए कर्नाटक के चुनाव के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव होने वाले हैं, उसको भी अब सेमीफाइनल के रूप ही आप कहा जा सकता है, क्योंकि अगले आने वाले जो चुनाव हैं वो सबसे बड़ा चुनाव यानी लोकसभा का चुनाव होगा। तो सेमीफाइनल एक कह सकते हैं कि जुमले की बात है,
अगर जुमले सभी तरह चलते हैं तो जुमला ये भी चलो ये सेमीफाइनल है तो इसलिए आप इसमें नहीं हारना है, फाइनल को जुमले को लेकर एक पार्टी खासतौर पर निशाने पर रहती विपक्षी पार्टियों ठीक है। अरुण जवाहरा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे ये समझना चाहूंगा कि किसी भी तरह की कमी इसमें देखे हैं या फिर ये चुनाव पिछले चुनाव से अलग कैसे है? सर ऐसा है, कर्नाटक का ये जो चुनाव है विधानसभा का जी, इस बार एक अलग ढंग से इसका कैंपेन हुआ और पहली बार ऐसा हुआ इस चुनाव में कि भारत के प्रधानमंत्री को खुद 9 दिन वहां लगाकर 21 रैलियों को संबोधित करना पड़ा। ऐसा कभी विधानसभा चुनाव में देखने में नहीं आता, लेकिन 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं वो किसी प्रकार का चांस नहीं लेते और इसी तरह गुजरात में, इसी तरह हर जगह उन्होंने उत्तर प्रदेश में बहुत रैलियां की, लेकिन उन सबसे एवरेज जो ज्यादा रैलियों का रहा, समय जो दिया वो उन्होंने कर्नाटक में दिया। बिल्कुल, तो एक अलग ढंग का ये चुनाव है, बड़े आक्रामक बयानबाजी होती रही है एक दूसरे के खिलाफ। कांग्रेस अध्यक्ष भी राहुल गांधी का भी ऐसा ही रवैया रहा, लेकिन एक बात निश्चित है कि इस विधानसभा चुनाव में एक बात बिल्कुल स्पष्ट होने जा रही है कि कोई भी पार्टी जीतती है विपक्ष बहुत मजबूत होगा, कांटे की टक्कर है, ये सबसे बड़ी बात इसमें आई और लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल, लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। सभी मेहमान बने रहेंगे हमारे साथ यहां पर। बता दें कि प्रधानमंत्री उधर नेपाल के दौरे पर हैं और दूसरा दिन है, लेकिन उनका दिल और दिमाग यहीं पर है। अब फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होते हैं और फिर तमाम बातें करेंगे। तो बता दें कि कर्नाटक विधानसभा की 224 में से 222 सीटों पर वोटिंग का सिलसिला सुबह 7 बजे से जारी है। 2 सीटों पर मतदान स्थगित कर दिया गया। राज्य के 4,98,00,000 से ज्यादा मतदाता 2600 उम्मीदवारों के बीच से अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। इन मतदाताओं में 2,52,00,000 से ज्यादा पुरुष और 2,44,00,000 महिलाएं शामिल हैं। वहीं 4,552 ट्रांसजेंडर भी शामिल हैं मतदाताओं में। वोटिंग के लिए 55,600 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं, कुछ सहायक मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए 3,50,000 से अधिक कर्मी चुनावी ड्यूटी पर लगे हुए हैं, तैनात हैं। इस चुनाव में मुख्य रूप से मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री एसडी देवगौड़ा की पार्टी जनता दल सेक्युलर नतीजों के बाद किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है। कुछ पोल राज्य में कांग्रेस को सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आगे बढ़ता भी दिखा रहे हैं। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग का सिलसिला जारी है। तो यहां पर ट्वीट करके प्रधानमंत्री की ओर से भी अपील की गई कि अब वोट डालने के लिए यहां पर निकलें और अपील की गई राहुल गांधी की ओर से भी। एके मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। अरुण जौहरा साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से सभी मेहमानों को स्वागत। आदिल सिंह बोपाराय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। गोविंद ठाकुर हमारे साथ बने हुए एडिटर हैं नेशनल अफेयर्स के। तो सभी मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत है। और आदिल सिंह जी, क्या दावा है कांग्रेस का? तैयारी पूरी थी सर आपकी? देखिए भाई साहब, कांग्रेस पार्टी 120 से ज्यादा सीटें कर्नाटका के इलेक्शन में ले आएगी। 15 मई को यह सारा स्पष्ट हो जाएगा। पर आपके सामने मैं मुद्दे रखूं जो जिसपे लोग, कर्नाटका की जनता वोट कर रही है। आप देखिए किसानी का, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए। आज हिंदुस्तान में नंबर वन इन्वेस्टमेंट में अगर कोई राज्य है वो कर्नाटका है, सिद्धरमैया साहब की सरकार के नीचे। जो हमारे ई फाइनेंस का मंडी का मॉडल है, जो ई फाइनेंस इनिशिएटिव है, उसको भारत सरकार बाकी राज्यों को कह रही है कि कर्नाटका का मॉडल रेप्लिकेट करिए। जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा सोलर पावर है वो टुमकुर में कांग्रेस पार्टी के समय पे कंस्ट्रक्ट किया गया है। कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच एक पॉजिटिव नैरेटिव लेके गई, हम अपनी रिपोर्ट कार्ड लेके गए, पर भाजपा ने क्या किया, मोदी साहब ने क्या किया? मोदी साहब ने इतिहास को तोड़ मरोड़ा,
मोदी साहब ने झूठ प्रचार किया, भारतीय जनता पार्टी ने विभाजन की राजनीति की। और देखिए, समय आ गया है हिंदुस्तान में कि अब जनता डिलीवरेबल्स चाहती है, अब भाषण से काम नहीं चलने वाला। जनता चाहती है कि बताइए आप हमारी बेसिक लाइफ को, हमारी बेसिक नेसेसिटीज को, जो इश्यूज होते हैं उनके डेली इश्यूज, उस पर आपकी क्या विचारधारा है, उस पर आपकी क्या राय है, उसे आप कैसे टैकल करना चाहते हैं। सो हम पूरा कॉन्फिडेंट हैं कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी 15 मई को। लेकिन किन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकी, कांग्रेस की ओर से नहीं हो सकी, बीजेपी की ओर से नहीं हो सकी, वो कुछ मुद्दे क्या मिसिंग रहे, या सभी मुद्दों पर बातचीत हुई, सभी मुद्दों पर वोट की अपील की गई? देखिए भाई साहब, कांग्रेस पार्टी जो सारे मुद्दे थे, हाँ जी आवाज आ रही है आपको भाई साहब? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है, अपनी बात कहिए आप। कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी का एजेंडा था, हम लोगों के बीच में लेके गए हैं। मोदी साहब का तो कोई पॉजिटिव नैरेटिव था ही नहीं भाई साहब। आपको पता है मोदी साहब ने कैसे हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया है, जनरल करियप्पा के बारे डिस्टॉर्ट किया है, जनरल थिमैया के बारे डिस्टॉर्ट किया है, और तो और शहीद भगत सिंह के बारे भी डिस्टॉर्ट कर दिया है। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे वोटर ऐसा नहीं चाहता कि प्रधानमंत्री, जो एक ऑगस्ट ऑफिस है, वो ऐसे इतिहास को डिस्टॉर्ट करे। उन्होंने कोशिश की थी कि एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाई जाए, पर एट द एंड ऑफ द डे देखिए, लोग डिलीवरेबल्स चाहते हैं। जो झूठ का प्रचार होता है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न स्टेप इन कर जाता है सूनर देन लेटर, वो हो रहा है। आप देखिए मोदी साहब जहां भी जाते हैं झूठ का प्रचार करते हैं। कांग्रेस पार्टी एक जेन्युइन नैरेटिव लोगों के आगे लेके जाना चाहती है, एक पॉजिटिव विजन लेके जाना चाहती है। आज अगर हिंदुस्तान में पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है कोई स्टेट में, वो कर्नाटका के नीचे है, कर्नाटका कांग्रेस पार्टी की सरकार के नीचे। 2013 से 2018 पर कैपिटा इनकम 3 गुना बढ़ी है कर्नाटका के जनता के लिए। सो ये है मुद्दे जिसपे लोग वोट करेंगे। बिल्कुल, यानी कि कोई भी मुद्दा छूटा नहीं है। मिश्रा जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं कांग्रेस की बातों से? नहीं देखिए, मैं कांग्रेस की बातों से इत्तेफाक रखता हूं। यहां पे देखिए क्या होता है सिंह साहब, मैं आपको बताऊं, जो इलेक्शन का लास्ट का 1 मंथ होता है ना, देखिए ऑनेस्टी होनी चाहिए, मुद्दे होने चाहिए। अभी आपने एक बात उठाई थी कि भाई दागी दोनों तरफ है, तो इस तरीके से देखा जाए तो दागी दोनों तरफ है तो जनता को नहीं चुनना चाहिए दागी लोगों को, लेकिन जनता क्यों उनको चुन के भेज देती है? सवाल यहाँ पे है, देखिए मुद्दे हिंदुस्तान में आजादी के बाद से वही है, गरीबी भगाना है, विकास करना है, भ्रष्टाचार मिटाना है, वो आज तक एक कॉन्टिन्यूअस मुद्दा चल रहा है। जो मुद्दे इन्होंने बताए वही सारे मुद्दे बीजेपी भी गिना रही है। एक दो मुद्दे अलग हो सकते हैं, दोनों का घोषणा पत्र आप देखिए, बहुत सारे कॉमन एजेंडा मिल जाएंगे। क्योंकि प्रॉब्लम, मतलब कोर ऑफ प्रॉब्लम देखेंगे, ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम देखेंगे तो कंट्री या स्टेट में सेम है। क्वेश्चन ये होता है कि एक महीने में जो ये होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है साइकोसोमेटिक, आप अपने एक्टिविटीज से, अपने कैंपेन से आप वोटरों की मनोदशा को, उनके साइकोलॉजी को कितना इंपैक्ट डाल सकते हैं, जिसके कारण वो इधर झुकेगा या उधर झुकेगा। पूरा एक महीना बहुत जद्दोजहद चलती रहती है वोटरों के बीच में, कभी वो एक पार्टी की तरफ जाता है, कभी दूसरी पार्टी की तरफ जाता है। ये बोलते हैं कि स्ट्रेटजिक प्रेजेंटेशन, स्ट्रेटजिक कैंपेनिंग। इस मामले में बीजेपी, मैं ये मानूंगा कि वो बहुत ज्यादा संगठित है, उनकी यूएसपी दूसरे पार्टियों से बहुत अच्छी है। यही रीजन है कि विकट से विकट परिस्थिति में भी, यूपी इलेक्शन हो, आप ये देखो, उन्होंने जहां चाहा उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इलेक्शन जीता। कुछ ऐसे रीजन है, मैं ये मानने को तैयार हूं कि भाई चलिए हो सकता है बीजेपी बहुत खराब है, या जेडीएस सबसे अच्छी पार्टी है, या कांग्रेस सबसे अच्छी पार्टी है। सही क्या है, गलत क्या है, डेवलपमेंट का पैरामीटर होना क्या चाहिए, हो क्या रहा है, वो डिफरेंट चीज है सर। इलेक्शन जब होता है तो पूरा एक साइकोसोमेटिक, साइकोलॉजिकल वॉर होता है। वहां पे कौन किसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, किन मुद्दों, कई बार जरूरी जो मुद्दे होते हैं, डेवलपमेंट के मुद्दे होते हैं, वो पीछे हो जाते हैं, और कोई धर्म से रिलेटेड मुद्दा होता है वो हावी हो जाता है, वो ओवरलैप कर जाता है। तो इलेक्शन का जो रिजल्ट डिसाइड होगा वो इन चीजों से होगा। और अभी भी मैं, आप देखिए, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता से देखेंगे, भले ही उनको पता है कि वो हार रहे हैं, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आता वो ये बोलेंगे कि जी हम जीत रहे हैं, हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि घोर से घोर विकट परिस्थिति में भी अगर आशावादिता आपको सीखनी है तो आप हमारे देश के नेताओं से सीखिए। बिल्कुल आशावादी। लेकिन एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा, गोविंद जी आप इत्तेफाक रखेंगे इस बात से कि एक विशेषज्ञ के तौर पर हम किसी चुनाव को अगर देखते हैं तो उसके परिणाम अलग हो सकते हैं, लेकिन जनता के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि जनता विशेषज्ञ तो है नहीं, उसके सामने जो मुद्दे रखे जाएंगे उस तरीके से वो बातें करेगी, उस तरीके से सोचेगी। अब कांग्रेस सरकार के आखिरी एक साल जो थे वो बहुत अहम थे, वहां पर तमाम तरह की योजनाओं का वहां पर ऐलान किया गया, तमाम तरह की योजनाएं लाने की बात कही गई। सिद्धारमैया जी एकदम आखिर में आए, साल भर के भीतर ये सब कुछ हुआ। अब दोस्त,
ये जो चुनाव हो रहे हैं इसमें देखिए बीजेपी की तरफ से जो है मैं पहले भी बता रहा था कि राष्ट्रीय मुद्दे को एक तरह से कर्नाटक के चुनाव में थोपे जा रहे हैं। यही बात कांग्रेस की तरफ से देखिए तो वहां पर क्षेत्रीय अस्मिता क्षेत्रीय भावना को उभारा जा रहा है दो कारण से। एक तो अगर जो केंद्र की जो नीतियां हैं उसको लेकर जो मोदी जी या अमित शाह जो प्रचार कर रहे हैं उसका मुकाबला कहीं से भी कांग्रेस नहीं कर पा रही है। यही वो कारण है जो वहां क्षेत्रीय भावना को उठाया जा रहा है। लेकिन केंद्र की नीतियों का आप जिक्र कर रहे हैं लेकिन क्षेत्रीय जो नीतियां हैं उस पर केंद्र की नीतियां क्या हावी हो रही हैं ये मैं जानना चाहता हूं। यही बात है। देखिए 2013 का जो विधानसभा चुनाव थे उसमें 40 जो सीट है वो बीजेपी के पास और आज की स्थिति जो हम देख रहे हैं सारे लोग जो देख रहे हैं उसमें ये बात जरूर है कि इससे बढ़ के आगे बढ़ेगा या दूसरी पार्टी या पहले पार्टी की तरफ पर जाना जा सकता है। लेकिन जो केंद्र की राजनीति है उसमें जो कर्नाटक की जो अस्मिता है उसकी एक टकराव के तौर पर इसको देख सकते हैं क्योंकि सीधा रमैया का आप देखिए जो वहां पर हिंदी कन्नड़ को अलग कर दिया गया वहां पर हिंदी साइन बोर्ड को अलग कर दिया टीपू सुल्तान की जो अस्मिता से जोड़ के देखा गया जबकि बीजेपी इसको विरोध करते आ रही है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि वहां की क्षेत्रीय जो भाषा है क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं जो जातीय समीकरण है वो कांग्रेस उसको बिठाने की कोशिश कर रही है उसको जो लुभाने की कोशिश हुई उसका अभी जिक्र करते चलते हैं। ठीक है मैं आपके पास लौटता हूं। यहां पर आप बता दें कि 9 बजे तक 10.6% वोटिंग हुई है ये जानकारी आ रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी है तो 9 बजे तक की रिपोर्ट आ गई है 10.6% यहां पर वोटिंग हुई है। तो इस वक्त की ये अपडेट 9 बजे तक की अपडेट है 10.6% वोटिंग हुई है यहां पर। वोटिंग का सिलसिला सुबह 7 बजे से जारी है 9 बजे तक की स्थिति यह है और धीरे धीरे मतदाता घरों से बाहर आ रहे हैं। जो तस्वीरें हम तक पहुंच रही हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार जो वोटर्स हैं अब वो अब निकल रहे हैं घरों से बाहर। अपील भी की गई यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से अपील की गई कि वहां पर सब लोग निकलें और अपना वोट कास्ट करें क्योंकि आपका जो मताधिकार है उसका इस्तेमाल करें मत जरूर दें क्योंकि आप ही को तय करना है कि किस उम्मीदवार को जितवाना है किसकी सरकार यहां पर लानी है या पुरानी सरकार को बचाना है। ये सब कुछ जनता के हाथ में है सब कुछ वोटर्स के हाथ में है। तो 9 बजे तक यहां पर 10.6% वोटिंग हुई है। अरुण जौहरा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। सर आपसे ये समझना चाहूंगा कि देखिए हर पार्टी जीत के लिए ही मैदान में उतरती है जीतने का दावा करती है लेकिन क्या केंद्रीय मुद्दे इस बार हावी रहे रैलियों में जनसभाओं में? देखिए केंद्रीय मुद्दे उठाने की कोशिश की गई और बड़े जोर शोर से की गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लेकिन मेरा ऐसा मानना है केंद्रीय मुद्दे किसी प्रकार के वहां सिवाय इस बात के जो कांग्रेस के नेता कहते रहे इस विधानसभा चुनाव के अभियान में कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया केंद्र ने पूरा पैसा नहीं दिया इस तरह की बात तो जरूर है लेकिन कोई केंद्रीय मुद्दा ऐसा जो कि इस चुनाव को प्रभावित करेगा मैं समझ रहा हूं कोई उभर के नहीं आया। बिल्कुल लेकिन मठ कितने महत्वपूर्ण वहां पर साबित हो सकते हैं लिंगायत कितने महत्वपूर्ण वहां पर साबित हो सकते हैं क्योंकि लगभग 100 सीटों पर प्रभाव है यहां सीधे तौर पर लिंगायत को उन्हें लुभाने की काफी कोशिश हुई। लिंगायत का बिल्कुल मेरा ऐसा मानना है बहुत बड़ी संख्या में क्योंकि उनको अल्पसंख्यक घोषित किया है कांग्रेस सरकार ने और ये उनका एक आप चुनावी रणनीति भी कह सकते हो और वो डिजर्व भी करते थे बहुत समाज पिछड़ा हुआ था तो उनको किया और भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती आ रही है लेकिन ये बात बिल्कुल निश्चित है कि लिंगायतों का बहुत बड़ा जो प्रतिशत है वो कांग्रेस के साथ जाने वाला है। आप एक चीज और सर यहां पर जौहरा साहब की अब योगी आदित्यनाथ को भी वहां पर प्लांट किया गया उन्हें भी वहां पर लाया गया चुनावी जनसभाएं करने के लिए वोटर्स से वहां पर अपील करने के लिए इसके पीछे क्या वजह रही मठ बड़ी वजह दिखी? देखिए कर्नाटक का एक अपना
बहुत बड़ा हमारे हिंदुस्तान में एक उसका अपना स्टेट का रुतबा है, बहुत बड़ा पर्यटन का वो क्षेत्र है और मंदिर मठ वहां पर बहुत हैं। बिल्कुल ये कोशिश की गई, लेकिन मैं समझता हूं कि विधानसभा के चुनाव में किसी बाहर के मुख्यमंत्री को लाकर या बाहर के किसी नेता को लाकर आप उनको मतदाताओं को प्रभावित नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री एक स्टार कंपेनर के तौर पर उतरे और 9 दिन उन्होंने लगाए, 21 रैलियों को उन्होंने संबोधित किया, जो कि मैंने पहले बताया बहुत बड़ी एवरेज बनती है। और प्रधानमंत्री कभी राज्य विधानसभा चुनाव में इतना समय दिया नहीं करते हैं, लेकिन ये उनका जीने प्रतिष्ठा का प्रश्न है। इस बार भारतीय जनता पार्टी इस गढ़ को अपने कब्जे में करना चाहती है कांग्रेस के, तो देखते हैं। लगता यही है कि दोनों तरफ से वार पूरे हुए, तैयारी पूरी हुई और कमान दोनों तरफ से खींची रही और अब जनता के हाथ में है। जनता का मुझे लग रहा है जो प्रतिशत आपने बताया है 10% वोट हुए, तो ये अच्छी पोलिंग है, कोई खराब नहीं है। तो शाम तक पता लगता है क्या होता है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा वोटर आएगा बाहर उतना ही लोकतंत्र की मजबूती है। जी बिल्कुल ठीक है सर, लौटता हूं। मिश्रा जी, यहां पर योगी आदित्यनाथ को वहां पर पहुंचाया गया, आपने जिक्र भी किया था, वहां पर हिंदी भाषाई क्षेत्र से वो आते हैं मुख्यमंत्री एक दूसरे स्टेट के, वहां पर जाकर कितना प्रभाव छोड़ पाए और अंतिम समय प्रधानमंत्री को क्यों इतनी ज्यादा तवज्जो वहां पर देनी पड़ी? प्रतिष्ठा का सवाल यहां पर या वर्चस्व की लड़ाई में पीछे हट रहे थे वो? नहीं नहीं सर, देखिए सिंह साहब, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, यही फर्क, मैं कोई बीजेपी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, 2014 के बाद जो कैरिज्मेटिक रिजल्ट्स आ रहे हैं बीजेपी में, यही सोच का फर्क है कि बीजेपी एक एक चीज को बहुत सीरियसली लेती है। ठीक है, आपके पास बहुत दिग्गज नेता है, आप किसी को घर में मत भेजो, कांग्रेस की प्रॉब्लम यही है, आप मत भेजो किसी को। देखिए क्या है, मैं बोलता हूं कि प्रधानमंत्री बीजेपी के आदमी है, योगी आदित्यनाथ है, जो भी है, हजार लोग जाए हजारों दिन वहां पर रहे, उसको जो है हमें रोकना नहीं चाहिए। कहने का मतलब बीजेपी ने क्यों इन लोगों को चुना है, योगी आदित्यनाथ को क्यों चुना है, इतने सारे मठों को जिनके बीच जो है इतना वैमनस्य था, सब लोग अलग अलग थे, उसको अगर कोई एक प्लेटफॉर्म पे ले आकर के सारे वोटों को, सारे वोटरों को एक प्लेटफॉर्म पे ले आया जाए, तो उसको जो है इस टास्क को अचीव करने के लिए मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ से ज्यादा अच्छा आदमी कोई नहीं है। वो खुद भी एक मठ के मालिक है, मठाधीश है, वो मठ के कल्चर से ही है, सारे मठों में जाकर के इन्होंने मिला। और ये जो लिंगायत की जो इन्होंने जो मुद्दा उछाला था, देखिए 2-3 महीने पहले कांग्रेस ने मुद्दा उछाला था, इलेक्शन के टाइम पे लिंगायत को अलग धर्म घोषित करना ये मुद्दा ही फुस हो गया, कोई चर्चा नहीं हो रही है। इस मुद्दे को, इस मुद्दे की काट जो है बीजेपी ने बड़ी अच्छी निकाली है, लगभग मेरे ख्याल से 35 या 47 लिंगायत के लोगों को इन्होंने टिकट दिया है, उसके ऊपर से आपने योगी आदित्यनाथ जी को वहां पे भेजा। अभी देखिए रीजनल और उस मुद्दे की बात चल रही थी, देखिए ये बड़ा नेचुरल है और साइंटिफिक है, बीजेपी की गवर्नमेंट वहां नहीं रही है, जिसके पास जो है वो उसी चीज को डिस्क्राइब करेगा ना। क्यों कांग्रेस जो है अपने नेशनल मुद्दों को डिस्क्राइब नहीं करती? क्योंकि उसके पास डिस्क्राइब करने के लिए है नहीं। अभी 5 साल का कांग्रेस उन नेशनल मुद्दों को डिस्क्राइब करती है जब उन्होंने किया है, आज के 10-20 साल पहले। बीजेपी के पास जो मुद्दे हैं, नेशनल है, रीजनल है, वो करेगा। जिसके तर्कस में जो तीर है सर, वो सारे तीर चलाएगा। मोदी जी बोलते थे 2014 का चुनाव वो गुजरात के विकास मॉडल से जीत गए, तो अगर यूपी में विकास होता तो सारे तीर चले, सारे तीर चले, नहीं देखिए सारे तीर चले, लेकिन जेडीएस, देखिए तीर चलाने में सबसे ज्यादा जो कमी रही है ना, वो जेडीएस और कांग्रेस, इसमें भी सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं मानता हूं कि अगर जेडीएस ने अच्छी से तैयारी की होती तो बहुत अच्छा जो है डेंट सारी पार्टियों को दे सकती थी, उभर सकती थी। लेकिन जेडीएस को पता ही नहीं था कि कौन कौन से तीर हमारे तर्कस में रखे हैं, उन्होंने यूज ही नहीं किए। ऐसे ही कांग्रेस ने कुछ बड़े अच्छे जो मतलब उनके स्ट्रेटेजिक जो एसेट्स हो सकते थे, उस चीज को उन्होंने नहीं उठाया, अगर उठाया तो बहुत गलत तरीके से उठाया। अभी देखिए मैं शायद सुन रहा था, मुझे पता नहीं, डायरेक्टली मैंने नहीं देखा, लास्ट मोमेंट पे जेडीएस और ये कांग्रेस जो है दोनों ने एक होने की घोषणा कर दी। देखिए ये क्या है, ये ब्लंडर है, इससे इन दोनों पार्टियों को फायदा नहीं होगा, इन दोनों पार्टियों को नुकसान होगा। या तो आप 6 महीने पहले 4 महीने पहले करते, देखिए इससे होगा क्या, अब जो कैंडिडेट, अब जेडीएस में कौन बैठेगा, कांग्रेस में कौन बैठेगा, दोनों कैंडिडेट में डिस्प्यूट हुआ, वोटर कंफ्यूज होंगे। जेडीएस पार्टी या कांग्रेस पार्टी के आलाकमान अगर बोल रहे हैं कि भाई आप बैठ जाओ यहां पे, वो दूसरी पार्टी का कैंडिडेट लड़ेगा, तो जो कैंडिडेट है उसके मन में क्या होगा कि 6 महीने मेहनत मैंने की, पैसा मैंने खर्च किया, मेरे जीतने के चांसेस है तो मुझे बैठा रहे हैं। तो ये एक इतना जबरदस्त ट्राइएंगुलर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा, मतलब जेडीएस कांग्रेस
पार्टी के अंदर, उनके जो है नेताओं के अंदर, और वोटर वोटर कंफ्यूज हो जाएंगे। वोटर एक परसेप्शन ये भी डेवलप करेंगे कि लगता है लड़ने से पहले इन्होंने अपनी हार मान ली है। भाई एक साथ दो दिन पहले एक साथ होने का क्या मतलब है? आपको एहसास हो गया कि आप जीत नहीं पा रहे हो? अभी तक तो आप बोल रहे थे कि हम अकेले अपनी सरकार बनाएंगे। तो वोटर स्पेशली जो शिफ्टिंग वोटर होता है, जो डिसाइड करता है, वो इमीडिएटली शिफ्ट हो जाता है उस तरफ जो सबसे मजबूत स्थिति में है। यानी कि घर से कुछ और सोच कर निकले थे और मतदान केंद्र पर पहुंचे तो सोच बदल गई। सिंसाफ होता है, देखिए ये होता क्या है, मैं देखिए ये सारे प्री पोल जितने भी होते हैं सारे गलत साबित होते हैं। उसका रीजन है, रीजन ये है कि आप गए, आपने किसी के पास माइक जो है लगाया, उसके मुंह पे बोला किसको वोट दोगे, उसको खुद नहीं पता होता है। एक घंटे अभी पोलिंग बूथ पे खड़े खड़े चर्चा करते हुए लोग भी अपना डिसीजन बदल देते हैं, सोच के आए हैं बीजेपी को, लेकिन कुछ ऐसा रीजन आ जाता है वो दे देंगे कांग्रेस को या जेडीएस को। तो ये इतना कंफ्यूजिंग, मतलब कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड जो वोटर का होता है ना, बहुत फ्लक्चुएटिंग होता है सर। एक स्टेटमेंट से वो इमीडिएट बदल जाता है, एक मिनट पहले बदल जाता है। तो रीजन ये है कि इन सब चीजों को मैनेज करने की अगर ये बात देखा जाए तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। बीजेपी के साथ फायदा ये है ना कि इन्होंने अपना जो रिफॉर्म किया है 2014 के बाद, इतने गजब के तरीके से इन्होंने रिफॉर्म किया है। मैनेजर्स अच्छे हैं, नहीं मैनेजर्स अच्छे हैं, पॉलिटिकल मैनेजर्स अच्छे हैं। देखिए कांग्रेस में भी पोटेंशियल है, सारी पार्टियों में पोटेंशियल है, लेकिन मुझे जो लगता है कांग्रेस और जो पुरानी पार्टियां हैं क्षेत्रीय छत्रपा सपा बसपा, ये उतना इनका जो एग्जीक्यूशन है ना वो उतना अच्छा नहीं है। ये अभी भी आज के 30 साल पहले वाली सोच लेके चल रहे हैं कि जी हम नेता हैं, हेलीकॉप्टर से पहुंचे, जो हमने बोल दिया वो दे दिया। आज हर हाथ में स्मार्ट नहीं, लेकिन वो बैलगाड़ी से भी वो भाषण वहां पर दे रहे थे राहुल गांधी, नहीं आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। बैलगाड़ी पे थे, बस पे थे, बैलगाड़ी पर थे, हेलीकॉप्टर नहीं थे। क्वेश्चन ये नहीं है बैलगाड़ी पे थे, वो एक मुद्दा है आपने अपना आक्रोश करने के लिए। नहीं आपने हेलीकॉप्टर का जिक्र किया ना कि पिछली सोच से बाहर नहीं निकलने की कोशिश कर रहे। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है, सोच ये है जो पुरानी पार्टियां हैं उनकी, वो अपने अंदर बदलाव नहीं ला रही। सोच ये है कि जी बड़े बड़े जो नेता हैं वो जाके भाषण दे देंगे, काम हो जाएगा। बीजेपी क्या करती है मैं आपको बताता हूं। देखिए पिछली बार का अगर आप इलेक्शन का लीजिए, 36.6% जो वोट मिले थे वो कांग्रेस को मिले थे, बीजेपी को 19.9 मिले थे, येदुरप्पा जी को लगभग 10% मिले थे। आप 20% और 10% ये मिला दीजिए, और निर्दलीय जो है जिनको 7 या 10% मिले थे, तो 36% से ज्यादा तो ये तीन पार्टियां बीजेपी मिल गए, येदुरप्पा मिल गए, निर्दलीय मिल गए, और एक दो पार्टियां और जो आई है। तो वोट परसेंटेज ऑफ वोट अगर आप देखेंगे तो बीजेपी ऑलरेडी 1-2% से कांग्रेस को क्रॉस कर रही है, क्योंकि येदुरप्पा वगैरह मिल गया ना। अब 5% का वोट स्विंग कैसे होगा सर, मैं आपको बताता हूं। अगर 5% का भी वोट स्विंग बीजेपी करा ले, इनके लिए बड़ा आसान है। देखिए पिछली बार अगर आप वोट देखेंगे तो टर्नओवर 70% था। अगर आपकी बार ओवरऑल वोटर टर्नआउट जो है आपका 70 या 80% चला जाता है, और 50,000 आप पोलिंग बूथ मानिए, 54,000 है, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 50,000, 4 करोड़ आप वोटर मानिए, अगर इसको इक्वली आप डिवाइड करिए तो हर बूथ से केवल 40 एडिशनल वोट इनको चाहिए। तो इनके पास इतने वर्कर्स है ना, आप आरएसएस वगैरह के, कि हर घर पे ये खड़ा कर मतलब देंगे, इस समीकरण को ये साध सकते हैं। ठीक है सर, ये साध रहे हैं, इसी कारण ये जो अगर ये जीतते हैं बहुत अच्छे तरीकों से, एक तो अभी तो हम संभावनाओं पे बात करेंगे, साध सकते हैं या नहीं वो तस्वीरें बाद में साफ होंगी, 15 तारीख को सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। ठीक है, तो बता दें अपने दर्शकों को कि वोटिंग का सिलसिला सुबह 7 बजे से जारी है लगातार, और बीजेपी नेता देखिए सदानंद गौड़ा पहुंचे, मतदान उन्होंने किया। इस बार 4,98,00,000 से ज्यादा मतदाता हैं और 3.5 लाख से ज्यादा सुरक्षाकर्मियों की तैनाती वहां पर की गई है। आप किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर वोट कास्ट कर सकें मतदाता, वोटर्स वहां पर पहुंचे, उसकी पूरी व्यवस्था वहां पर की गई है। वहीं वोटिंग से पहले कर्नाटक में बीजेपी के सीएम प्रत्याशी येदुरप्पा ने पूजा अर्चना की और मठ जाकर दर्शन भी किया। येदुरप्पा ने आज के दिन को बेहद खास बताया, साथ ही 140 से 145 सीट जीतने का दावा भी वो करते नजर आए। बता दें कि येदुरप्पा बीजेपी के सीएम उम्मीदवार हैं। कर्नाटक के शिमोगा में पहुंचे, पूजा अर्चना करते हुए नजर आए बीएस येदुरप्पा। तो 140 से 145 सीट का दावा यहां पर जीतने का करते नजर आए, पूजा अर्चना की। तो भगवान की शरण में येदुरप्पा 140 से 145 सीट जीतने का दावा वो कर रहे हैं। स्पेशली डे एवरीबडी शुड कम एंड कैश देयर वोट्स एंड एटमॉस्फेयर फॉर भारतीय जनता पार्टी इज वेरी गुड एंड वी आर गोइंग टू क्रॉस 150 सीट्स एंड एज आई टोल्ड यू
one week back that I am going to form the government on 17th. I will go to Delhi on 15th evening and meet Prime Minister and also All India President. And all our other ministers, they have come and they have supported us. I will ask them to come to Bangalore on 17th. तो अब आपको हम दो तस्वीरों से रूबरू करवाने जा रहे हैं। बीजेपी के सीएम उम्मीदवार बीएस येदियुरप्पा की दोनों तस्वीरें। तो इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि एक तरफ उन्होंने घर में पूजा अर्चना की और फिर उसके बाद वो मठ में पहुंचे और वहां पर जाकर पूजा अर्चना की। तो पूरी तरह से भगवान की शरण में बीएस येदियुरप्पा और जीत की कामना करते हुए दाई तौर पर यहां पर पहुंचे हुए हैं। 140 से 145 सीट का दावा जीतने का किया है येदियुरप्पा साहब ने। तो साधना पहली तस्वीर घर पर पूजा पाठ की, उसके बाद जीत का आशीर्वाद मांगने के लिए मठ में पहुंचे। तो अरुण जोहरा जी, आपने अपना समय दिया, कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिश्रा जी हमारे साथ बने रहेंगे और गोविंद ठाकुर भी हमारे साथ स्टूडियो में बने रहेंगे। फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद भी कर्नाटक के रण पर हमारी कवरेज लगातार जारी है। फिर आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा के 224 में से 222 सीटों पर वोटिंग जारी है। 9 बजे तक 10.6% वोटिंग हुई है। चुनावी मैदान में 2600 से ज्यादा उम्मीदवार हैं। वोटिंग के लिए 55,600 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए। इस बार कई राज्यों में हाईटेक बंदोबस्त किए गए हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए 3.5 लाख से अधिक कर्मी चुनाव की ड्यूटी पर तैनात होंगे। इस चुनाव में मुख्य रूप से मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री एसडी देवगौड़ा की पार्टी जनता दल सेक्युलर नतीजों के बाद किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है। कुछ पोल राज्य में कांग्रेस को सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आगे बढ़ता भी दिखा रहे हैं। लेकिन फिलहाल स्थिति यह है, वहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर की बात सामने आ रही है। और वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो 9 बजे तक 10.6% वोटिंग प्रतिशत रहा है। ये बढ़ जाएगा जिस तरीके से उत्साह वहां पर नजर आ रहा है वोटर्स में। धीरे धीरे वोटर्स की संख्या मतदान केंद्रों पर बढ़ती जा रही है। तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहां पर टक्कर है, लेकिन जेडीएस को नकारा नहीं जा सकता है। किस भूमिका में होगी ये बात की बात है, 15 तारीख को यह तस्वीर साफ होगी। लेकिन फिलहाल 9 बजे तक की स्थिति की बात करें तो 10% से थोड़ा सा ज्यादा यहां पर वोटिंग हुई है। तो जितने पुरुष हैं लगभग उतनी ही महिला वोटर्स भी हैं, उनका वोट भी मायने रखता है सभी वोटर्स का। यही वजह है कि घर घर जाकर यहां पर वोट की अपील करते हुए सभी उम्मीदवार नजर आए। तमाम जनसभाएं हुई, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी चला और वो दौर भी चला जब मुद्दों की बात हुई, और वो दौर भी चला जब मुद्दों को छोड़कर तमाम बातें हुई। खैर, 224 में से 222 सीटों पर मतदान का सिलसिला जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी। धीरे धीरे अब वोटर्स की संख्या भी बढ़ती जा रही है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो यहां पर वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। एके मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, एक बार फिर से आपका स्वागत है। गोविंद ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर एक बार फिर से आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गोविंद ठाकुर जी, एक सवाल आप यहां पर कांग्रेस से पूछना चाह रहे थे, हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता चले गए, थोड़ा समय उनका कम था। वो सवाल चूंकि बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा कि बीजेपी ने सिर्फ झूठ का पुलिंदा वहां की जनता को दिखाया, बीजेपी ने सिर्फ झूठ की नींव वहां पर रखी, लेकिन जो आखिरी का एक साल था सरकार का, कांग्रेस सरकार का, वहां पर आखिरी के एक साल में वो तमाम योजनाएं का ऐलान किया गया, तमाम योजनाएं उसका जिक्र किया गया, उनकी बात की गई। शुरू के 4 साल तक तो बहुत कुछ वहां पर हुआ नहीं। गोविंद देखिए, अब तो ये बात सही है कि 4 साल तक कुछ नहीं हुआ, इसके बाद से बहुत सारी योजनाएं लागू की गई उनके तरफ से, कांग्रेस सरकार
सिद्धारमैया की ओर से, जिसमें किसानों को लेकर सबसे पहले कहा गया था कि 5 साल में हम के जो आमदनी है उसको दोगुना कर, जो कि आजकल मोदी जी कह रहे हैं यही बात, यही जुमले कह सकते हैं इसको कि कांग्रेस के तरफ से कहा गया था। लेकिन आज के हालात आप देख लीजिए कि कर्नाटक में 2013 से लेकर 2017 के बीच में किसानों ने लगभग 3500 किसानों ने आत्महत्या की है। अब इसके लिए सिर्फ सिद्धारमैया के ही दोषी नहीं कह सकते हैं, इसके लिए केंद्र सरकार भी उतने ही दोषी है जितने की राज्य सरकार के। तो यहां पर कह सकते हैं कि जो उनका जो दावा था कि हम दोगुना करेंगे वो तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन आत्महत्याएं बढ़ी है। इसके साथ साथ उन्होंने इसको कंपनसेट करने के लिए कई सारी योजनाएं, जैसे कि इंदिरा कैंटीन योजना लागू किया उन्होंने, 5 रुपए में उन्होंने नाश्ता, 10 रुपए में खाना, ये खूब अच्छा चला, ठीक ठाक चला, लेकिन उसके बाद भी उसके इम्प्लीमेंट करने में, लागू करने में कहीं ना कहीं ठीक से नहीं हो पाया, क्योंकि जल्दबाजी किया गया, और इसी कारण से जो जनता है ना उसको समझा कि ये पूरी तरह से एक वोट लेने के लिए था, ये कोई इससे कोई अंतर नहीं पड़ा था, ये उनके निगेटिव ही जा रहा था। इसके बाद शादी जो भाग्य योजना उन्होंने लागू किया, जिसमें 50,000 अल्पसंख्यक जो बच्चियां हैं जिनकी शादी होने वाली थी होती है उनको दिया जाता था, लेकिन इससे बीजेपी ने यहां बहुत बड़ी एक तरह से कह सकते हैं कि योजना बना के इसको चाल चल के और उसको खंडन कर दिया। जैसे कि उसने ये कहा कि सिर्फ मुस्लिम वहां पर 17% है, तो सिर्फ मुस्लिम महिलाओं बच्चियों को ही दिया जाता है, बाकी अल्पसंख्यक जो है उसमें जैन धर्म बौद्ध इन सबको नहीं मिलता है। तो बाद में सिद्धारमैया ने उसे भी शामिल कर लिया, तो ये बैकफुट पर कांग्रेस को वहां पर देखने को मिला। इसके बाद कई सारे योजनाएं किसानों को लेकर, पानी की योजनाएं, सभी तमाम योजनाएं उन्होंने लागू किया, लेकिन ये सरकार विरोधी लहर में जो 122 सीट का येदुरप्पा के हैं उससे तो कम होगा, ये मान के चलना पड़ेगा। सरकार बनाए या न बनाए वो अलग बात है, लेकिन जो 37% उनका वोट परसेंट है सरकार बनेंगे, परंपरा भी वहां पर रही है जी बिल्कुल। लेकिन एक बात आप जरूर अवतोष यहां पर देखने को है, क्योंकि यहां पर जो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, चाहे केंद्र के 21 मंत्री वहां पर प्रचार कर रहे हैं, और वो जो केंद्र की जो एजेंडे हैं, जो हिंदुत्व राष्ट्रवाद इसको इससे बात करते हैं, इसको भी उतनी तवज्जो वहां पर नहीं मिल पा रही है जितना कि मिलना चाहिए दूसरे स्टेट में, यूपी जैसे स्टेट में, चाहे हिंदी भाषी स्टेट में मिला, कंफ्यूज नहीं मिल रहा है। वोटर्स थोड़ा सा कंफ्यूज इस मामले में हुआ होगा कि वो केंद्रीय मुद्दों पर ध्यान दें कि उनके जो स्थानीय मुद्दे हैं उस पर ध्यान दें, जैसे किसानों का जिक्र यहां पर किया गया, लेकिन किसानों की आत्महत्या की असल वजह, क्योंकि सीधे सीधे किसान के परिवार वाले तो मानेंगे कि हम कर्नाटक में रहते हैं, यहां के किसान हैं, क्योंकि कर्नाटक की नीतियां, कर्नाटक सरकार की नीतियां ठीक नहीं थी इसलिए आत्महत्याएं हो रही हैं, वो कैसे ये समझ पाएंगे कि केंद्र सरकार की नीतियां थी और उस वजह से वो आत्महत्याएं, उस वजह से उनको जरूरी चीजें नहीं मिल पा रही हैं। बिल्कुल यही देखिए, दूसरे स्टेट में भी जब किसान आत्महत्या करते हैं तो केंद्र पर सवाल उठाया जाता है, और सवाल मांगा जा, जवाब मांगा जाता है केंद्र से, जो ये आत्महत्या हुई है आपने कुछ नहीं किया। यही एक जो पिछले 5 साल में जाएं तो जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें मनमोहन सरकार ने 72,000 करोड़ रुपए का जो ऋण था किसान का ऋण उसको माफ किया था। इसके हवाला देकर कांग्रेस वोट जरूर मांगती है, लेकिन बीजेपी की तरफ से ये बात नहीं कही गई कभी भी, और कहीं अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो उन्होंने अनाउंस तो किया था, लेकिन अगर आप धरातल पर जाएं, जमीन पर जाएं, तो किसानों को वो हक नहीं मिला है अभी तक जो अनाउंस किया गया था। तो ये एक कांग्रेस के लिए एक बेनिफिट है वोट मांगने को लेकर, जो जो केंद्र सरकार जो अनाउंस करती है उसमें वो उतर नहीं पाता है, और यही वो कारण है जो कर्नाटक के सरकार जो चुनाव है उसमें एक बढ़ चढ़ कर राहुल गांधी उसको उठा रहे हैं, और जिसको काटने के लिए देखिए आप जो किसान की आत्महत्या की बात आप कर रहे हैं उसमें अमित शाह ने बार बार ये उठाया है कि यहां 3500 किसानों ने आत्महत्या की है, लेकिन इसमें किसकी दोष है, तो सिद्धारमैया की, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है ये किसकी दोष है, तो केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार ने फंड नहीं दिया है। ठीक है, कुछ सवाल आप यहां पर उठाना चाह रहे थे गोविंद जी, और कांग्रेस से प्रवक्ता वो चले गए थे, विनायक डालमिया जी हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, तो वो सवाल आप इनसे पूछ सकते हैं, लेकिन पहले मेरा सवाल, क्या कुछ कमी रही चुनाव प्रचार में, या फिर चुनाव प्रचार पूरे ठीक ठाक बीते हैं, राहुल गांधी की कोशिशें रंग लाएंगी? दर्शकों को शुभकामनाएं, और बिल्कुल रंग लाएंगी। राहुल गांधी जी की जो
उन्होंने काम किया है कर्नाटका के चुनाव में, सिद्धरमैया जी ने जो अभी प्रचार किया है, सिद्धरमैया सरकार ने जो काम किया है पिछले पांच सालों ने, स्टेबल सरकार दी है, 95% से ज्यादा जो उन्होंने वायदे किए थे पूरे किए हैं, उससे पहले मैनिफेस्टो रिलीज किया, उन्होंने रीजनल मैनिफेस्टो रिलीज किया, देखिए बहुत काम हुआ है और इसीलिए हमको बहुत कॉन्फिडेंस है कि जनता समझदार है, जनता सब समझती है और जनता दोबारा सिद्धरमैया जी और कांग्रेस को ही वोट देगी। नहीं अपने अपने उपलब्धियों को क्या गिनवा सके, मित्र ने जनता के बीच सही तरीके से ले जा सके, ये जानना चाह रहा हूं, या कुछ कमी रह गई डालमिया जी? नहीं देखिए आप इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, अगर आप अगर हम हमारी कमी रही होती, अगर हमारी कमी 1% भी रही होती तो भाजपा प्रधानमंत्री मोदी को पिछले महीने जितना उन्होंने कर्नाटका में समय बिताया है उतना नहीं समय बिताते। मैं पिछले दो हफ्ते से कर्नाटका में था, मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले प्रधानमंत्री ज्यादा नहीं आ रहे थे, फिर कहा कि 15 रैली करेंगे, उसके बाद अचानक डिसाइड हुआ कि 21 रैली करेंगे, प्रधानमंत्री ने अंत में जाके 21 से ज्यादा रैली करी है कर्नाटका में। इसका क्या कारण है? इसका कारण एक ही हो सकता है ना, कि भाजपा चिंता भाजपा को डर था, भाजपा को चिंता थी कि सिद्धरमैया की सरकार और कांग्रेस की सरकार जनता के प्रति जा रही है, जनता को प्रेम है। देखिए कर्नाटका में आप किसी भी जर्नलिस्ट से भी पूछ लीजिएगा, किसी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट से पूछ लीजिएगा, 1% की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है वहां पे। आप ये देख लीजिए यहां पे हिस्टोरिक मैंडेट होगा, बिकॉज कर्नाटका का जो हिस्ट्री है वो मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, पर इस बार हिस्ट्री रिपीट नहीं होगी, इस बार हम हिस्ट्री बनाएंगे और दोबारा कांग्रेस की सरकार बनेगी। ठीक है, सारे वादे पूरे किए हैं और बात कर रहे मेरे मित्र, आपने कहा कि बताना चाहूंगा बीजेपी को है, लेकिन एक प्रैक्टिकल चीज कि डर सत्ता में जो है उसको ज्यादा होता है या जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है उसको ज्यादा होता है, बीजेपी के पास वहां पर कुछ भी नहीं है, तो डर उनको ज्यादा होना चाहिए या कांग्रेस को? बिल्कुल नहीं, देखिए आप समझ नहीं रहे बात को, आप 19 को मन में रखिए, भाजपा 19 को देख रही है और देखना भी चाहिए, जैसे ही कर्नाटका में इलेक्शन आते हैं पूरा माहौल बदल जाता है। देख रही है बिल्कुल कांग्रेस, तभी कांग्रेस ने मेहनत करी है, कांग्रेस ने काम किया है, सिद्धरमैया जी ने काम किया है, कर्नाटका में पहली बार बहुत बहुत चीजें हुई है, इरिगेशन लार्जेस्ट एशिया का उन्होंने वहां बनाया है, दुनिया का लार्जेस्ट सोलर प्लांट बनाया है, जो कोई भी कर्नाटका का व्यक्ति भूखा ना मरे ये सिद्धरमैया जी ने वादा किया था और इस वादा को पूरा भी किया है। मुद्दों पे अनेक स्कीमों में सिद्धरमैया जी ने काम किया है, वो भाई भले ही चावल का काम हो या वो इंदिरा कैंटीन का काम हो, उन्होंने वहां पे बहुत ही बढ़िया काम किया है और इसीलिए पहली बार ऐसा हो रहा है कर्नाटका में कि 1% भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। मैं जो बार बार आपको दोहरा रहा हूं, एंटी इनकम्बेंसी नहीं होना कर्नाटका में बहुत बड़ी बात है, इसीलिए मैं ठीक है यहां पे नहीं बनेगी आज इस बारी 15 तारीख को। डालमिया जी हमारे साथ स्टूडियो में गोविंद ठाकुर हैं और मुझे एडिटर ये बताइए वो कुछ सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं। विनायक जी एक सवाल आपसे है कि आपने कहा कोई भूखे न मरे और इतना काम किया है किसानों को लेकर और चावल के काम को लेकर उपजाने को लेकर, लेकिन ये बताइए कि 5 रुपए में नाश्ता 10 रुपए में खाना किसको मिलता है और क्यों खाने की जरूरत पड़ती है? इसका मतलब साफ है कि वहां पर खाने की दिक्कत है, इसलिए आपने इंदिरा कैंटीन लागू किया। अगर किसानों को सब कुछ मिलता तो घर में खाना खाता, बाहर में क्यों आता? तो इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं इसको वोट बनाने की मुद्दा बनाया, क्योंकि 5 रुपए खाना खाए, 10 रुपए में खाना खाए, 5 रुपए में नाश्ता करे, तो ये तो वोट बैंक की राजनीति है ना, लोग वो भी आपके सफल नहीं हो पा रहा है। वोट सफल नहीं हो रहा है या हो रहा तो 15 तारीख बताएगा, पहली बात। दूसरी बात, ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है। किसी आदमी को अगर आप सब्सिडाइज रेट पे खाना देते हैं, उसकी मदद होती है, उसकी सहायता होती है, ये वोट बैंक कैसे है? ये सरकार का दायित्व है और ये कोई आज या आजकल में तो काम नहीं हुआ है, ये पिछले 4 साल से तो काम फिर हुआ। आप कैसे कह सकते हैं कि वहां पर खुशहाली है? कम 4 करोड़ लोगों को बात पूरी कीजिए 4 करोड़ लोगों को खाना खिलाया है। देखिए बहुत कर्नाटका नंबर 1 स्टेट है,
बहुत मुद्दों में, एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है, आईटी का हब है, बेंगलुरु जो है दुनिया का सिलिकॉन वैली माना जाता है, ये किसने काम किया है? येदियुरप्पा जी ने किया है, येड्डी रेड्डी गैंग ने किया है या कांग्रेस सरकार ने किया है? जनता सब जानती है, इन मुद्दों पे कोई डिबेट करने का बात नहीं है। अब तो चुनाव आ गया है, वोटिंग शुरू हो गई है, तो ये मुद्दे अब ज्यादा मायने नहीं रखते क्योंकि जनता ने अपना मन बना लिया है। अगर जनता ने अपना मन नहीं बनाया होता तो प्रधानमंत्री मोदी इतना समय कर्नाटका में क्यों बिताते? मुझे इसी बताइए, चीन गए, चीन से डायरेक्ट कर्नाटका आ गए, दिल्ली बिल्कुल भी नहीं गए, ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि भाजपा को लगा कि वो अपनी स्टेट लीडरशिप पे येदियुरप्पा जी पे आधार पे नहीं जीत पाएगी, ना वोट इकट्ठा कर पाएगी, तो उन्होंने ये प्रयत्न किया कि मोदी जी को भेजिए, मोदी जी वहां जाके प्रचार करेंगे, प्रधानमंत्री हैं तो जाहिर सी बात है न्यूज बनती है, प्रधानमंत्री कहीं भी जाएंगे तो न्यूज बनेगी, जाहिर सी बात है, इसलिए वो गए और उन्होंने ये कोशिश की कि भैया वोट इकट्ठे होंगे। पर कर्नाटका की जो जनता है वो सब जानती है कि ये स्टेट इशू है, प्रधानमंत्री आएंगे उससे वोट नहीं बनेंगे। और वहां पे जो प्रधानमंत्री ने रैली भी करी, 21 रैलियां करी, आपने पता नहीं देखा कि नहीं देखा, वहां जो उन्होंने भाषण बोले वो ट्रांसलेशन में लॉस हो जाते हैं, तो उसका इंपैक्ट भी मिनिमम रहता है। तो देखिए, इसलिए कांग्रेस सरकार बहुत कॉन्फिडेंट है कि नहीं, प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे चुनाव प्रचार के लिए और वहां पर नजर आया, मौका मिलेगा आपके खेमे में किसी तरीके के खलबली। देखिए, प्रधानमंत्री हैं वो देश के, वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, आपके भी प्रधानमंत्री हैं और उनका आदर करता हूं मैं, पर वो जहां जाएंगे जाहिर सी बात है, मैं कह रहा हूं वो न्यूज बनेगी, वो प्रधानमंत्री हैं देश के, वो कश्मीर चले जाएं, कन्याकुमारी चले जाएं, कर्नाटका चले जाएं, न्यूज तो बनेगी, पर इसका न्यूज का मतलब ये नहीं होता है कि वोट बनेंगे। विनायक जी लीडरशिप पे भी देख के वोट देंगे, विनायक जी रमैया जी का मुकाबला करेंगे येदियुरप्पा जी से। विनायक जी, जो फ्यूचर के अपने प्रधानमंत्री होने वाले हैं, मैं बात श्री राहुल गांधी का कर रहा हूं, वो कहीं जाते हैं तो न्यूज नहीं बनती है क्या? वो भी तो फ्यूचर के, उन्होंने खुद बोला था कि हाँ भाई 2019 में मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। चलिए मैं मान लेता हूं कि 2019 में वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो आप ये बोलना चाहते हैं कि वो कहीं जाते हैं तो न्यूज नहीं। देखिए विनायक जी, होता क्या है, केवल ये नहीं, आप किसी बहुत बड़े फिल्म स्टार को भी लेके जाते हैं तो न्यूज बनती है, ये ठीक है, वो बीजेपी के हो गए, राहुल गांधी जी हो गए, कोई भी हो गए, ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो अपनी पार्टी के लिए तो कैंपेन करें, नहीं करेंगे 10 दिन करें, 20 दिन करें, तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन की क्या बात है? मैं तो बोलता हूँ प्रियंका गांधी जी को भी जाना चाहिए था, अब न्यूज नहीं बनती है इसलिए नहीं गई क्या? ऑब्जेक्शन ही नहीं है, आपका सवाल, आप स्टेटमेंट दे रहे हैं या सवाल पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, मैं सर सवाल पूछ रहा हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि भाई प्रियंका गांधी, क्या प्रियंका गांधी जी नहीं गई कैंपेनिंग में तो क्या उसका रीजन यह था कि वो न्यूज नहीं बनती है, या राहुल गांधी गए तो न्यूज बन रही है तो वोट में कन्वर्ट होगा, क्या इसका रीजन क्या है? भाई राहुल गांधी जी भी तो 10 दिन वहां पे थे, 20 दिन वहां पे थे, आपके भी बहुत सारे लीडर्स थे। मेरे कहने का मतलब चश्मा सेम होना चाहिए ना सर, किसी चीज को देखने के लिए, आपकी पार्टी हो, किसी जेडीएस वालों ने भी अपने तरफ से बेस्ट प्रचार किया, जो सारी चीजें हैं बिल्कुल सेम है। तो फिर आप मोदी जी के लिए क्यों बोल रहे हैं चाइना से सीधे वहां चले गए? अरे उनकी पार्टी है, उनको जाना है। राहुल गांधी जी दिल्ली से वहां चले गए, क्यों चले गए सर? आपके हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए था, वो कर्नाटका के हैं नहीं। देखिए ये अच्छा। चलिए मैं आपकी बात से जवाब ले लेता हूं, उनका जवाब ले लेते हैं, मिश्रा जी जवाब ले लेते हैं जी। पहली चीज, मैं मेरे को जवाब देने दीजिए ना, अब आपने बहुत सारा बोला, मुझे जवाब देने दीजिए। पहली बात, सबका जन्म से अधिकार है, सबका जन्म से अधिकार है कि वो जाके प्रचार करिए, हमने तो कुछ बोला ही नहीं। मैं तो उस बारे में दिक्कत, आपने मेरे से पूछा कि मोदी जी का वहां जाने से इलेक्शन पे क्या इंपैक्ट होगा, क्या वोटर को कुछ फर्क पड़ेगा, मैंने उसका जवाब दिया, मैंने और कुछ कहा नहीं। और ये फैक्ट है कि वो चाइना से सीधा कर्नाटका चले गए, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, देश के प्रधानमंत्री और जो पार्टी के अध्यक्ष होते हैं उसमें बहुत अंतर होता है। प्रधानमंत्री का एक और दायित्व होता है, वो है सत्ता चलाना, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, गवर्नमेंट को करना, सिर्फ वोट मांगने का काम नहीं होता है। पर छोड़िए वो बात को, कोई दिक्कत नहीं है, उनका अधिकार है, उनका हक है, उनका बनता है, जाएंगे प्रचार करेंगे, इस मैंने कोई इसमें सवाल ना मेरा, मैं कौन होता हूं सवाल उठाने वाला। आपने मेरे से पूछा कि उनका वहां जाने से वोट के फर्क पड़ेगा, मेरा ऐसा मानना है, कांग्रेस पार्टी का ऐसा मानना है कि नहीं पड़ेगा, उसी का एक सिंपल जवाब दे रहा हूं मैं ना, और कुछ मैंने कहा नहीं इस पे। ठीक है सर, ठीक है, और कुछ पूछना चाहती है तो पूछिए। नहीं बिल्कुल, मुद्दा नहीं है कोई, बिल्कुल। लेकिन इस बार राहुल गांधी ज्यादा एग्रेसिव नजर आए, राहुल गांधी ने तमाम मौकों पर तमाम तरह के स्टेटमेंट दिए और एक 15 मिनट
की जो बात थी उसको पकड़ा गया यहां पर बीजेपी की ओर से कि 15 मिनट टिक नहीं पाएंगे और उसको लेकर काफी कटाक्ष किया गया बीजेपी की ओर से। और ये मुद्दे विकास की नहीं बात हो रही थी, ना किसी मुद्दे की बात हो रही थी, सिर्फ भाषण की बात हो रही थी यहां पर। कांग्रेस पार्टी दो चीजें जानना चाहती है, 15 मिनट तो बहुत ज्यादा समय होता है, मैं कांग्रेस पार्टी दो चीजें जानना चाहती है, 5 मिनट जब बात करें केवल 5 मिनट की, उन्होंने कर्नाटका के लिए क्या किया है, जनता जानती है उन्होंने कर्नाटका के लिए क्या किया है। येड्डी रेड्डी गैंग कहलाया जाता है कर्नाटका में, इतनी शर्म की बात है, जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो व्यक्ति मुख्यमंत्री फिर से बनना चाहते हैं, उनके लिए जनता कहती है येड्डी रेड्डी गैंग। तो उनसे ये पूछिए कि भैया बिलारी माइनिंग स्कैम के अलावा 5 मिनट में बता दीजिए आपने कर्नाटका के लिए क्या किया है। दूसरी चीज, कांग्रेस पार्टी ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से भी ये 5 मिनट के सिर्फ सवाल चाहती है कि 5 मिनट आपने, ऑलमोस्ट आपको 5 साल हो गए हैं सत्ता में दिल्ली में सेंटर में, 5 मिनट, 1 मिनट 1 साल के लिए बता दीजिए आपने देश के लिए क्या किया है। टूर और ट्रैवल के अलावा, आपका दिल्ली में मन नहीं लगता है तो टूर और ट्रैवल के अलावा आपने देश के लिए क्या किया है, 5 मिनट येदियुरप्पा जी बताएं कर्नाटका के लिए और 5 मिनट माननीय मोदी जी बताएं भारत के लिए। 15 मिनट छोड़ दीजिए, 15 मिनट तो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ठीक है, कुछ और सवाल भी हैं, उन सवालों का जवाब लेंगे। आप सभी मेहमान बने रहिए हमारे साथ। तो बता दें कि कर्नाटक विधानसभा के 224 में से 222 सीटों पर वोटिंग का सिलसिला जारी है। 9 बजे तक की बात करें तो 10.6% वोटिंग हुई। चुनावी मैदान में 2600 से ज्यादा उम्मीदवार हैं और वोटिंग के लिए 55,600 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए। इस बार कई राज्यों में हाईटेक बंदोबस्त किए गए हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए 3.5 लाख से अधिक कर्मी चुनावी ड्यूटी पर तैनात होंगे। इस चुनाव में मुख्य रूप से मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री एसडी देवगौड़ा की पार्टी जनता दल सेकुलर नतीजों के बाद किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है, यह संभावना है। कुछ पोल राज्य में कांग्रेस को सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर भी आगे बढ़ता दिखा रहे हैं, लेकिन यह सारी तस्वीर 15 तारीख को साफ हो जाएगी और एक धुंधली तस्वीर की शुरुआत आज से हो गई है, क्योंकि यहां पर वोटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से यह सिलसिला जारी है। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की 222 सीटों के लिए यह वोटिंग हो रही है। सुबह 9 बजे तक 10.6% वोटिंग हुई, तो 4,98,00,000 से ज्यादा मतदाता हैं और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में यहां पर सीधी टक्कर जेडीएस किंग मेकर की भूमिका में होगी या नहीं होगी, यह बात की बात है, लेकिन जेडीएस को नकारा नहीं जा सकता है। फिलहाल वोटर्स के मन में क्या है यह तस्वीर साफ हो जाएगी 15 तारीख को। तो फिलहाल वोटिंग का सिलसिला जारी है। 9 बजे तक 10.6% वोटिंग हुई है और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में यहां पर सीधी टक्कर है। तो हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं, एके मिश्रा जी हैं राजनीतिक विशेषज्ञ, एक बार फिर से उनका स्वागत है। अब बीजेपी से हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं अभी अभी संदीप रावत जी। रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे एडिटर नेशनल अफेयर्स गोविंद ठाकुर भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, क्या चुनाव प्रचार में कुछ कमी रही या फिर ढंग से चुनाव प्रचार हुआ और आखिरी समय में प्रधानमंत्री को उतारने की कोई वजह? मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी हमारे नेशनल लीडर हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, और आज दूसरी पार्टियों के अंदर इस तरह की जो लीडरशिप है, जो उनका कैंपेनिंग का तरीका है, वो किसी और पार्टी के पास में इस तरह का लीडर नहीं है। तो अमित शाह जी और श्री नरेंद्र मोदी जी का जो आपस में सामंजस्य है, जिस तरह से चुनाव प्रचार करते हैं, वो अद्वितीय है, अकल्पनीय है और उसमें कोई तुलना नहीं की जा सकती है। तो ये लास्ट मोमेंट पे उतारने वाली बात ये ठीक नहीं लगती। हम यूपी में भी प्रधानमंत्री जी ने बड़े नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस तो कुछ भी कह सकती है, वो अपने राहुल गांधी जी के ऊपर ध्यान देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ। बाकी तो उनका तो पूरे पिछले 6 महीने से कर्नाटक में हैं राहुल गांधी जी, देखिए क्या परिणाम आता है।
नहीं, गंभीरता तो यहां पर दिखाई गई कांग्रेस की ओर से, गंभीरता तो जाहिर तौर पर आप खुद ही कह रहे हैं कि 6 महीने से राहुल गांधी वहां पर मौजूद हैं और वो तमाम बातें, जो तमाम वहां पर मुद्दे हैं और जो काम वहां पर किए गए हैं वहां की जनता के लिए, वो तमाम चीजें जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं। नेतृत्व यहां पर राहुल गांधी का है, लेकिन उनके जो तमाम उम्मीदवार हैं वो जनता के बीच में ये सारी बातें लेकर जा रहे हैं। नहीं, गंभीर तो कांग्रेस को होना पड़ेगा। अब कर्नाटक के बाद में केवल 3 स्टेट इनके पास में बच जाएंगे, तो गंभीर तो उनको होना पड़ेगा। अब राहुल गांधी जी कितने गंभीर हैं, क्या मुद्दे उन्होंने उठाए इस समय विकास से संबंधित, जब भी चुनाव आते हैं और पिछले इतने सालों से एक ही बात, एक रट लगाई जाती कि भाजपा सांप्रदायिक पार्टी है, जबकि हमेशा सांप्रदायिकता की शुरुआत इस तरह की जो जाति और धर्म की राजनीति है कांग्रेस ही उसकी शुरुआत करती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहां पर ये तमाम बातें हैं। डालमिया साहब, कुछ सवाल यहां पर पूछना चाहेंगे आप बीजेपी से, क्योंकि कई तरीके के आरोप लगे और एक चीज आपने ये भी कही कि प्रधानमंत्री चूंकि देश के हैं, वो कहीं भी जाते हैं तो न्यूज बन जाती है, लेकिन ये न्यूज क्या वोट बैंक में तब्दील होगी, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, जैसे मैंने दोहराया, हमारा ये मानना नहीं है कि प्रधानमंत्री का वहां जाना वोट में कन्वर्ट होगा। पहली बात, प्रधानमंत्री वहां उनको जाने की नौबत क्यों आई, उनको वहां जाने की नौबत अंत में 21 रैली करनी, 15 से 21 उन्होंने बढ़ाई, मेरे सामने हुआ है ये, मैं वहां कर्नाटका में था। वो इसको उनको करना इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने रियलाइज किया कि जो येदियुरप्पा जी की सरकार, जो येदियुरप्पा जी हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी है वहां पर डाउन है, वहां जो लोगों का उनसे कनेक्ट नहीं बन रहा है, उन टेड्डी गैंग का वहां पे उनका नाम चल रहा है, इसलिए फिर भाजपा को ये लगा कि प्रधानमंत्री को उतारना पड़ेगा मैदान में। उसके बावजूद मैंने आपको फिर दोहराया, जो मेरा मानना है, जो कांग्रेस पार्टी का मानना है, कि प्रधानमंत्री का वहां पे कर्नाटका के वोटर के साथ कनेक्ट नहीं बनेगा और वोटर उनको वोट नहीं देंगे। वोटर सीधा ठीक है कि हम जितनी भी चर्चा कर सकते हैं कर लीजिए, 15 तारीख को परिणाम आ जाएगा, दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, रैलियों का आपने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री ने इतनी रैलियां की, राहुल गांधी जी ने भी इतनी ही रैलियां की हैं, उन्होंने भी कोई कमी नहीं की है, बल्कि ज्यादा की हैं उन्होंने रैलियां, जनसभाएं ज्यादा उन्होंने संबोधित की हैं, और बस के जरिए भी वो जनता के बीच में पहुंचे और बैलगाड़ी के जरिए भी जनता के बीच में पहुंचे। बैलगाड़ी से भी नहीं और साइकिल से भी, बाइसिकल से भी पहुंचे हैं। देखिए, पार्टी के वो अध्यक्ष हैं, पार्टी के जब अध्यक्ष होते हैं उनका दायित्व बनता है कि जब किसी भी स्टेट के चुनाव होते हैं उनको उतरना पड़ता है मैदान में, जनता के सामने आना पड़ता है और स्टेट लीडरशिप की पार्टनरशिप में उनको जनता के सामने जाना पड़ता है, जो उन्होंने काम और वादे निभाए हैं वो दिखाने पड़ते हैं और फिर वोट मांगने पड़ते हैं। तो ये जायज सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात क्या है। राहुल गांधी जी पिछले 6 महीने से कर्नाटका की जनता के साथ रहे हैं, मिले हैं, जुले हैं, उनको वहां बहुत आदर मिला है, सम्मान मिला है, प्रेम मिला है, और वो प्रेम और आदर सिद्धरमैया जी को 15 तारीख को वोट के मुताबिक मिल जाएगा, सीधी सी बात है। संदीप जी, मैं ये कह रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो निर्णय था, एन मौके पे उन्होंने रैलियां करी, एन मौके पे उन्होंने अपनी रैलियों का आंकड़े बढ़ाए, ये सब ये पब्लिकली डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है, 15 से 21 उन्होंने रैली बढ़ाई, इसका कोई कारण होगा और इसका कारण यही है। ठीक है, उसका कारण की कोशिश कर लेते हैं, वो वहां पे वीक हो गई थी और बीजेपी की ठीक है अपनी बात पूरी कीजिए फिर कारण पूछते हैं। नहीं, मैंने अपनी बात पूरी कर ली, मैं यही कह रहा था कि स्टेट लीडरशिप वहां पे वीक पड़ रही है, वहां जो येदियुरप्पा जी हैं उन पे करप्शन के इतने चार्जेस हैं, अभी भी भाजपा कहती है कि करप्शन के चार्जेस हट गए। मैं उनको यही कहना चाहूंगा, ये व्यक्ति माननीय येदियुरप्पा जी एक बार जेल जा चुके हैं, उनके अभी भी 11 या 12 सुप्रीम कोर्ट में केसेस पेंडिंग हैं, इस बात को आप ना भूलिए। उसके अलावा जो बेलारी में उन्होंने किया है स्कैम, भाजपा ने पूरे कर्नाटका का उससे नाम बदनाम कर दिया था और कर्नाटका को शर्म से सर झुकाना पड़ा था उस समय। येड्डी रेड्डी गैंग कहते हैं वहां कर्नाटका में, आप मैं जानता नहीं कि आप कर्नाटका इस बार गए थे कि नहीं गए थे, मैं गया था, मुझे पूछिए ना, आप चाय वाले से पूछिए, आप ऑटो वाले से पूछिए, आप रेस्टोरेंट में पूछिए, स्टार्टअप से पूछिए, युवा से पूछिए, महिला से पूछिए, पिछड़े समाज से पूछिए, किसी से पूछ लीजिए, वो यही कहते हैं येड्डी रेड्डी गैंग है। और मेरे पास पूरी लिस्ट है कितने लोग जो भाजपा के उम्मीदवार हैं उन पे कितने कितने अभी करप्शन के केसेस अभी भी पेंडिंग हैं,
अभी हाल ही में जो 10 तारीख को शायद जब चुनाव खत्म हो रहा था, एक्सटिंग ऑपरेशन बाहर आया कि कैसे वो एक जज को कोशिश कर रहे थे ब्राइब करने के लिए, उनके एक कैंडिडेट जो येदियुरप्पा जी के बहुत खास हैं, प्रधानमंत्री के भी बहुत खास हैं। तो देखिए, करप्शन भाजपा जो पहले 2014 में कहती थी कि ये पार्टी विद अ डिफरेंस है, कहती थी ये पार्टी विद अ डिफरेंस है, और भाजपा ने कहा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो ये कर्नाटका के चुनाव में ये बिल्कुल बात पानी में बिछर चुकी है, क्योंकि भाजपा के जितने करप्शन चार्जेस भाजपा के लीडर के खिलाफ हैं, शायद कर्नाटका के इतिहास में किसी संदीप रावत खाऊंगा ना खिलाने दूंगा। मैं चाहूंगा जवाब दीजिए, क्योंकि यहां पर येदियुरप्पा का जो चेहरा है, आप भ्रष्टाचार के लिए वो जाने जाते थे, लेकिन येदियुरप्पा के चेहरे को आप सामने लाए और सामने नहीं भी लेकर आए, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान वो ज्यादातर मौकों पर नजर नहीं आए। क्या जानबूझकर ये रणनीति अपनाई गई थी कि येदियुरप्पा के सामने आने से वोट बैंक कुछ खिसक सकता है, या फिर किस तरीके की रणनीति थी, इसका जवाब दीजिए। नहीं, पहली बात तो मैं एक बात बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये पहली बार नहीं कि हमारे प्रधानमंत्री किसी भी राज्य में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, प्रधानमंत्री जी को रैलियां होती हैं, ऐसा नहीं होता कि ऑल ऑफ अ सडन आपने प्रधानमंत्री जी को वहां नहीं, लेकिन अगर दूसरे राज्यों से तुलना करें तो ज्यादा इस बार रैलियां की गई हैं किसी विधानसभा में, कम ज्यादा की वो नहीं, जहां पे जितनी आवश्यकता होती है उस तरह से पार्टी की आवश्यकता ज्यादा की क्यों पड़ी, ये तो मैं जानना चाहता हूं। पार्टी की अपनी एक, मुझे पूरा करना दीजिए, पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है, उसके तहत कोई भी पार्टी काम करती है। ठीक है, अमित शाह जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से वहां पे चुनाव प्रचार किया, विकास के मुद्दे को आगे लेके आए हैं, और रही भ्रष्टाचार की, जिस तरह से अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि भ्रष्टाचार में कांग्रेस में कर्नाटका के अंदर यह है वो है, तो मैं कहना चाहता हूं कि जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी जमानत पे छूटे हुए हैं, जैसे हेराल्ड गेस्टमेंट बेल पे हैं, उनके मुंह से ये भ्रष्टाचार जैसे शब्द शोभा नहीं देते हैं। आप दूसरे पे छिटाकसी कर सकते हैं, लेकिन पहले अपने दामन में तो झांके, आप राजनीति क्या कर रहे हैं, इस समय विपक्ष और कांग्रेस मुद्दा विहीन है, इनके पास मुद्दे नहीं है, तो मुद्दे क्या ढूंढे जाते हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जो मैं कहना चाहता हूं। आता हूं डालमिया साहब, आता हूं मैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, जवाब दे दीजिए जो बात, मैं अपनी बात को आरो बात पूरी हो जाए फिर आप जवाब दीजिए। आप एक बार, हिंदुस्तान में किसी भी तरह की कोई भी डेथ होती है, चाहे वो नेचुरल होती है, मॉब लिंचिंग से होती है या स्नैचिंग के दौरान होती है, डेथ होती है, मौत एक मौत होती है, लेकिन उसमें क्या ढूंढा जाता है, मरने वाला व्यक्ति किस संप्रदाय का है, किस जाति का है, किस धर्म का है, क्या आपको पता है कि स्नैचिंग के अंदर एक दिन में हिंदुस्तान में कितने लोगों की डेथ होती है, किसने इसके आंकड़े कभी देखे, कम से 50 से 60 लोग पर डे मरते हैं, लेकिन उसमें से क्या ढूंढा जाता है, किस पार्टी का है। अरे मुद्दे लिखा हो ना, विकास के मुद्दों पर बात करो, विकास के मुद्दों पर बात करो। नहीं, यही तो कांग्रेस का कहना है कि इन मुद्दों पर बात होती नहीं है यहां पर। ठीक है डालमिया साहब, इनका जवाब आप देना चाह रहे हैं। बहुत सिंपल जवाब, इन्होंने सवाल बड़ा मजेदार पूछा है और अच्छा पूछा है सवाल। हाँ। देखिए, अगर भाजपा, अमित शाह जी हो, मोदी जी हो या और कोई भी हो, भाजपा अगर विकास की बात करती तो हमको भी बहुत खुशी होती, हम भी चाहते हैं कि कर्नाटका में प्रधानमंत्री आके विकास की बात करें, पर दुर्भाग्य से और दुख की ये बात है, मेरे को नहीं पता इनमें से रावत जी ने कितने प्रधानमंत्री की कर्नाटका की रैली सुनी है, मैंने सारी सुनी है, उन्होंने 90% समय तो वो कांग्रेस में बिताते हैं अपनी रैलीज में, या तो राहुल जी पे बात करते हैं या कांग्रेस पे बात करते हैं, विकास की उन्होंने कहीं बात ही नहीं की रैलीज में। आप नहीं, कांग्रेस की बात करने की वजह तो ये भी रही ना, सत्ता में कांग्रेस थी, देख लीजिए कि 90% तो आपका मतलब, मैं यही पूछ रहा हूं ना बार बार, प्रधानमंत्री जब जाते हैं रैली करते हैं उसमें अगर वो घंटा भर या 40 मिनट बात करते हैं, 90% समय वो कांग्रेस की बातों में करते हैं, उनका क्या नया है, उनकी क्या रणनीति है, उनकी क्या सोच है, उनकी क्या विचारधारा है, वो येदियुरप्पा जी को क्या प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, रेड्डी ब्रदर को क्या वो मंत्री बनाना चाहते हैं, वो कर्नाटका के लिए करना क्या चाहते हैं, एक बार भी एक रैली में भी उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया। और जैसे आपने कहा, येदियुरप्पा जी को दिखाया भी नहीं भी दिखाया, पर्दे के पीछे भी रखा, पर्दे के सामने भी रखा, तो आपके वो उम्मीदवार हैं या नहीं हैं, अगर वो हैं तो उनपे जो करप्शन के आरोप हैं उनका क्या, और जो रेड्डी ब्रदर है उनका क्या करोगे, तो ऐसे अनेक सवाल हैं जो बीजेपी जिसका आंसर नहीं दे पाई, जिसका उत्तर नहीं दे पाई, इसलिए पर्दे के सामने रखा, फिर पर्दे के पीछे ले गए, सामने रखा पीछे ले गए, और एक बार भी खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक रैली में भी विकास की बात नहीं की, कोई उनका ऐसा कोई नई योजना हो, नई सोच हो, नया आइडिया हो कर्नाटक की जनता के लिए, एक बार भी नहीं। 90% समय तो वो राहुल जी पे ही बताते हैं,
90% समय वो कांग्रेस पे बिताते हैं, खुद का उनके पास कोई सोच नहीं है, खुद की उनके पास कोई विचार नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, इसीलिए ऐसा होता है। नहीं तो आप ये बताइए, देश के प्रधानमंत्री बहुत बड़ा आदमी होता है, बहुत बड़ी औहदा होता है, बहुत बड़ी कुर्सी होती है, अगर वो व्यक्ति एक प्रदेश में 21 रैलियां करते हैं और उसमें हर बार 40 मिनट से घंटा भर उसमें भाषण देते हैं, तो क्या ये सुनहरा मौका नहीं था कि वो कर्नाटक की जनता को बता पाए कि उनके लिए उनके मन में कर्नाटक के लिए क्या नीतियां हैं, क्या विचार हैं? एक बार भी नहीं किया, तो ये उन्होंने सुनहरा मौका गवा दिया, मेरा ऐसा मानना है। और ये दुर्भाग्य की बात है प्रधानमंत्री जी के लिए भी और कर्नाटक की जनता के लिए भी। जाहिर सी बात है, जनता प्रधानमंत्री आए हैं, जनता सुनना चाहती है कि वो क्या करेंगे देश के लिए, वो कर्नाटक के लिए क्या करेंगे, पर ऐसा उन्होंने कुछ कहा नहीं। और अनेक ऐसे मुद्दे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फार्मर हो, एग्रीकल्चर हो, एम्प्लॉयमेंट हो, जहां सेंटर ने कर्नाटका को सपोर्ट नहीं किया है। 15 था फाइनेंस कमीशन ले लीजिए आप, एग्रीकल्चर ले लीजिए, फार्म लोन जो किसानों को लोन वेवर है उसकी बात कर लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो फंड देने थे उसकी बात कर लीजिए। ऐसा मैं चैलेंज करता हूं, कोई भी मुद्दा उठा लीजिए जहां सेंटर ने ठीक रूप से स्टेट का कर्नाटका में पिछले 5 साल से सपोर्ट किया हो, नहीं किया है। हालांकि जब यूपीए की सरकार थी और वहां पर येदियुरप्पा जी की सरकार थी, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या और अनेक मुद्दे हो, फंड रिलीज हुए थे और रिकॉर्ड लेवल पे फंड रिलीज हुए थे, हमने सपोर्ट किया था, हमने ये वो नहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं की थी कि भाजपा की कर्नाटका में सरकार है इसलिए हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, हम उनको फंडिंग नहीं देंगे, हम उनको मदद नहीं करेंगे। हमारा दायित्व था जब हम सेंटर में थे, हम हर प्रदेश का मदद करेंगे बराबरी से। पर यहां पे अब, और ये मैं सिर्फ जुमले नहीं, अब रिकॉर्ड देख लीजिए, आंकड़े देख लीजिए, पिछले 5 साल से जो ये साउथ के जो स्टेट हैं क्यों इतने दुखी हैं, जो फाइनेंस 15वां फाइनेंस कमीशन है उसमें जो जितना उनका हिस्सा बनता है, जो जितना उनका हक बनता है वो सेंटर नहीं देती है। फार्म लोन वेवर की बात करते हैं, कांग्रेस ने 8,000 करोड़ से ज्यादा फार्म लोन वेवर किए हैं इस सरकार में, भाजपा ने क्या किया, भाजपा ने शून्य किया है। 30,000 करोड़ से ज्यादा जो रुपए रेड्डी ब्रदर ने चोरी किए, इत्तेफाक से उतना ही अमाउंट, उतना ही रुपया कांग्रेस ने मनरेगा में लगाया था, जिसको पहले नरेगा कहते थे, उतना ही पैसा भाजपा ने अपने मित्रों को दे दिया, उतना ही पैसा कांग्रेस ने मनरेगा में लगा दिया। देखिए ये अगर हमने ये जो आरोप है वो लगातार हर चुनाव में लगते रहे, कर्नाटक की जनता के लिए क्या वादे किए गए, इस सवाल का जवाब मैं राजनीतिक विशेषज्ञ तौर पर यहां पर ए के मिश्रा जी बैठे हुए हैं उनसे लेना चाहूंगा कि क्या। मैंने सबसे पहला देखिए सवाल आपसे यही पूछा था कि जब चुनावी सभाएं हुई, चुनावी जनसभाएं हुई, तो उसमें क्या हर मुद्दे पर बातचीत हुई, हर मुद्दे को लेकर यहां पर कुछ जनता से वादे किए गए, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, कुछ मिसिंग था इसमें, क्योंकि जीत सभी के लिए जरूरी है, सभी पार्टियां चाहती हैं कि वो जीतने के लिए मैदान में, लेकिन क्या सभी मुद्दों पर बातचीत हुई जो स्थानीय मुद्दे हैं खासतौर पर? मिश्रा जी नहीं, देखिए सिंह साहब मैं आपको बताऊं, मैंने आपको पहले भी बोला 60-70 साल की हमारी आजादी का इतिहास है और जितने मुद्दे यहाँ पे पहले थे वही अभी हैं, चाहे वो बीजेपी आ जाए चाहे नहीं मुद्दे तो हैं, लेकिन मुद्दों पर बात हुई उसके लिए कोई ब्लूप्रिंट, कोई प्लान इसकी नहीं वो कोई नहीं है सर। देखिए ये सारी पार्टियों का, मैं ऑल पॉलिटिकल पार्टी वर्सेस पब्लिक को मैं करूं, जो रियल वे में जो होना चाहिए, होता क्या है, देखिए क्या होता है, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो करंट में क्राइसिस के लेवल पे किसी स्टेट या जगह पे चल रहे होते हैं, उन मुद्दों को हाईलाइट कर दिया जाता है, वो चाहे मंदिर निर्माण का हो, चाहे सड़क निर्माण का हो, चाहे 5 रुपए या 10 रुपए में खाना देने का हो, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको हाईलाइट करके पूरे के पूरे इलेक्शन कैंपेन को, विक्ट्री को हाईजैक, वोट बैंक को हाईजैक करने की कोशिश की जाती है। आप सारी पार्टियों के आप मुद्दे उठा के देख लीजिए, इनका घोषणा पत्र वो केवल घोषणा पत्र है और उसमें बहुत सारी आपको कॉमन चीजें मिल जाएंगी। हम इनको ये फ्री में देंगे, महिलाओं को वो देंगे, ऐसे करेंगे, लैपटॉप दे, किसी ने लैपटॉप दिया तो किसी ने मोबाइल का वादा कर दिया, मुद्दे तो सेम है ना। देखिए जनता यहां पे छली कहां जाती है, ये एक महीने का, इट इज ओनली द 9 डेज वंडर सर, जिसको इंग्लिश 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। पब्लिक के साथ क्या होता है, एक महीने तक ऐसा माहौल सारी पार्टियां बनाती हैं कि जी हम ही हम है, बाकी सब एकदम बेकार है, उसके बाद क्यों वही डर रहा। मैं बोलता हूं 5 रुपए खाना वाला है या बहुत सारे ऐसे हैं, किसी भी गवर्नमेंट की मैं बात करूं, यूपी में अखिलेश जी ने, अखिलेश यादव जी ने एक दिन में, मैं सुन रहा था 99 प्रोजेक्ट को उन्होंने जो है लॉन्च कर दिया, तो 5 साल पड़े थे तो आपने लॉन्च नहीं किया, ऐसे ही हर स्टेट में आप, हालांकि उसका फायदा उन्हें नहीं मिला, फायदा नहीं मिलेगा। आप एक महीने पहले आप करोगे तो फायदा आपको नहीं मिलेगा। आपसे पूरा जवाब लूंगा,
सभी मेहमान यहां पर प्लीज बने रहिए हमारे साथ, तो इस पर हम चर्चा करेंगे कि कर्नाटक चुनाव में क्या मिसिंग रहा है या फिर तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। लेकिन तो कर्नाटक के रण की बात हो रही है, आज यहां पर वोटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है, 7 बजे से ये वोटिंग जारी है और शाम को 5 बजे तक ये वोटिंग का सिलसिला चलता रहेगा। 9 बजे तक की बात करें तो करीब 10% यहां पर वोटिंग हुई थी। तो ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है, वोटिंग का सिलसिला ये लगातार जारी है। 224 में से 222 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में यहां पर कड़ी टक्कर है। तो किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, कर्नाटक के किले को कौन फतेह करेगा या कर्नाटक के किले को बचाने की कोशिश में सरकार लगी है वो कोशिश सफल होगी, ये तमाम तस्वीर साफ होगी 15 तारीख को। लेकिन हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं, एके मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ नरेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर स्वागत है आपका। अभय दुबे हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। संदीप रावत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पहले से, और गोविंद ठाकुर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एडिटर हैं नेशनल अफेयर्स के। अभय जी ये सवाल देखिए, जो भी कांग्रेस से जुड़ा हमने ये सवाल सभी से पूछा कि क्या कुछ कमी यहां पर रही, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंतिम समय में जिस तरीके से जनसभाएं की, क्या कांग्रेस में किसी तरीके की हलचल रही इसको लेकर? देखिए अभितोष जी, पूरे कर्नाटक को ये अपेक्षा थी जी, और हम भी ये विचार कर रहे थे कि भगवान बसावन्ना की कर्नाटक की भूमि में कम से कम प्रधानमंत्री आकर डेवलपमेंट ओरिएंटेड कुछ इश्यूज को कर्नाटक के सम्मुख रखेंगे और एक विजन कर्नाटका को देने की कोशिश करेंगे, जिस प्रकार वो हर चुनाव में कोई पैकेज का अनाउंसमेंट करते हैं। खैर डिलीवरेबल्स नहीं है, मगर उसके उल्टा इस प्रकार की कोशिश की गई कि किस कैसे कम्युनल पोलराइजेशन के आधार पर कर्नाटका का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत पाए। हमने स्पष्ट रूप से रेखांकित किया कि क्या डिलीवरेबल्स थे। हमने वादा किया था 165 अपने अनाउंसमेंट थे 2013 के, उस पर एक पूरी बुक पब्लिश की कि 96% प्रोमिसेस हमने फुलफिल किए हैं, चाहे वो कृषि भाग्य योजना के आधार पर 22 लाख किसानों के कर्ज माफी की बात हो, महत्वपूर्ण भाग्य योजना के आधार पर प्रेग्नेंट इलेक्टेड वुमन को खाना उपलब्ध कराने की बात हो, 1 करोड़ बच्चों के दूध और अंडे के पोषण आहार का प्रश्न हो, इंटेंशन ऑफ इन्वेस्ट सबसे ज्यादा कर्नाटका के 62% पूरे इंडिया के हैं, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के सबसे ज्यादा प्रपोजल कर्नाटका के हैं, मोदी जी का नीति आयोग कहता है कि कर्नाटका बेंगलुरु वो स्थान है जहां पर सर्वाधिक स्टार्टअप्स चालू हुए हैं, और जितने सोशल और इकोनॉमी के इंडिकेटर्स हैं, हमने चुनौती दी कि कोई किसी भाजपा शासित राज्य से कम तुलना कीजिए और एक कोई समानांतर मॉडल तो आप दीजिए कर्नाटका को। उसकी अपेक्षा सिर्फ वो माइक्रो लेवल तक कैसे पोलराइज किया जा सके, कैसे विभाजित किया जा सके, इसमें लगे। एक तरफ हम थे जो कर्नाटका के नागरिकों की भाग्य योजना चला रहे थे, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने उन दो लोगों को अवसर दिया जो अपने स्वयं के भाग्य निर्धारित करने में लगे थे, ये येड्डी और रेड्डी। येदियुरप्पा जी पर 23 मुकदमे भ्रष्टाचार के हैं, 11 कंपनियों में उनके परिवार के लोगों ने भूमि का हस्तांतरण कर्नाटका का किया, और 35,000 करोड़ रुपए के संसाधनों की लूट रेड्डी बंधुओं ने कर्नाटका की, 2800 रुपए का हवाला का की जांच उनकी चल रही है। तो एक तरफ साफ रूप से हमने ये कोशिश की कि कैसे कर्नाटका के विकास को लेकर हम एक नया विजन रखना चाहते हैं, एक एग्रीकल्चर कॉरिडोर, इंडिया का पहला एग्रीकल्चर कॉरिडोर का अनाउंसमेंट कर्नाटका में हुआ जो 10 जिलों से जाता है, 10 एग्रो इकोनॉमिक क्लाइमेटिक जोन्स कर्नाटका में हैं। हमने इस बात को निर्धारित किया कि जो आज क्राइसिस किसानों की है कि उनके उत्पाद का उनको मूल्य मिल पाए, तो वो एग्रीकल्चर कॉरिडोर अनाउंस किया जहां पर उनके कोल्ड चेन की व्यवस्था, वेयर हाउसेस की व्यवस्था, पेरिशेबल आइटम को स्टोर करने की व्यवस्था, और ताकि हम उनको उनका उचित दाम दिलवा सकें। दूसरी ओर त्राहिमाम कर रहा था जब किसान
कर्नाटका के लोगों ने मोदी सरकार से अपेक्षा की, जब भीषण सूखा पड़ा 160 तालुका में 30 जिलों की, तब कर्नाटक की सरकार ने 3300 करोड़ रुपए की मांग की, सिर्फ 749 करोड़ रुपए मोदी सरकार ने वहां दिए। आज मोदी जी कर्नाटका में आकर कहते हैं किसानों की आत्महत्या, प्रधानमंत्री जी बताइए जितनी आप 5 साल में कर्नाटक के किसानों की आत्महत्या का प्रश्न खड़ा करते हैं, महाराष्ट्र में 1 वर्ष में उतने किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि मोदी सरकार के आने के बाद समूचे देश में आत्महत्या की मनोवृत्ति किसानों की बढ़ी, इसका जवाब तो मोदी सरकार को देना होगा, क्योंकि 0% इंपोर्ट ड्यूटी करके लाखों टन फूड ग्रेन्स जमाखोरों और बिचौलियों ने विदेशों से मंगाया और प्राइजेस किसानों के लिए कैश हो गए। तो हमने बहुत विस्तृत रूप से इन सारे मुद्दों को वहां रखा है, बहुत विस्तृत रूप से इन सारे मुद्दों को लगाया और बहुत आपने यहां पर आरोप लगाया भी पूरा सरकार पर, केंद्र सरकार पर। संदीप रावत जी इसका जवाब देना चाहेंगे। संदीप जी, क्या वाकई मुद्दों पर बातचीत यहां पर हुई नहीं, या फिर बातचीत हुई उन बातचीत को नजरअंदाज किया जा रहा है जनता के बीच में सही तरीके से, क्या बीजेपी नहीं गई? देखिए, मुद्दा विहीन तो कांग्रेस है, लेकिन उन्होंने तमाम मुद्दे गिनवाए, भले वो पेपर पे हैं, तमाम मुद्दे उन्होंने गिनवाए। आप मुझे जवाब दे दीजिए। कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कि हमने 96% वादे पूरे किए, तो खुशी मनाइए, आपको कर्नाटक की जनता दोबारा रिटेन करेगी। लेकिन एक सवाल मेरा अभय दुबे जी से है कि आपके हार का ठीकरा उसकी जिम्मेदारी क्या राहुल गांधी लेंगे या ईवीएम मशीन पे डालने वाले हैं, पहला एक सवाल। दूसरा, आपने अभी जैसे इसकी बात की कि हमने ये अनाउंसमेंट किया, अनाउंसमेंट तो आपने फूड सिक्योरिटी बिल का भी किया था 2013 में। आपने पिछले 10-15 सालों से जो मनरेगा के ढोल पीटे के मनरेगा ने ये कर दिया, मनरेगा ने गरीबी उन्मूलन कर दिया, सारा कर दिया, तो जब मनमोहन जी के कार्यकाल को 10 साल हो गए थे, तो 9वें साल में आपको फूड सिक्योरिटी बिल याद आता है, इसका मतलब मनरेगा आपका सक्सेस नहीं हुआ। और फूड सिक्योरिटी बिल का जो बर्डन था, अगली सोनिया जी को अच्छे से पता था कि अब कांग्रेस दोबारा रिटेन होने वाली नहीं है, लेकिन अगली सरकार जो भी आएगी उसके लिए इतने बड़े गड्ढे पैदा कर दिए ताकि वो सरकार अपने कदमों पर खड़ी ना हो सके। रही भ्रष्टाचार की बात, तो जो पार्टी 11 लाख करोड़ के घोटालों में डूबी हो, सर से पांव तक घोटालों के अंदर भ्रष्टाचार के आरोप में डूबी हो, आपकी पार्टी और आपके पार्टी के अध्यक्ष नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पे छूटे हुए हैं, तो आपके मुंह से भ्रष्टाचार की बातें शोभा नहीं देती। आप विकास के मॉडल पे बात करिए ना, आप डाटा के साथ में बात करिए कि आपने पिछले इतने सालों में 5 सालों में सिद्धारमैया जी ने क्या रोजगार दिया, धर्म की राजनीति किसने की, जाति की राजनीति की, सब जानते हैं। आपने लिंगायत को अलग धर्म का देने का दर्जा शुरू कर दिया, दलित और धर्म की जो राजनीति थी जो इस समय कांग्रेस कर रही है दुर्भाग्यपूर्ण है। आप विकास में बात नहीं करते, ठीक है, बीजेपी ये राजनीति नहीं कर रही है, बीजेपी तो जवाब देती है उसका, हमें तो जवाब उनको जवाब देना पड़ेगा। लोगों को लुभाने की कोशिश नहीं हुई, योगी आदित्यनाथ वहां पर नहीं गए, इसका तो जवाब दीजिए। देखिए, भ्रष्टाचार की आप बात करें, एक बार मैं भी सवाल कर लूं, उसको आप जवाब पूरा कर लीजिएगा। भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं, लेकिन येदुरप्पा को आप सामने लाकर, पर्दे के पीछे भी रखकर, पर्दे के सामने भी लाकर, कहीं ना कहीं उन्होंने आपने बैठे बैठा एक हथियार दे दिया यहां पर कांग्रेस को कि वो इसको लेकर निशाना साधते रहे, और जनता को ये बता रहे हैं कि येदुरप्पा किस तरीके से भ्रष्टाचार के उन पर आरोप लगे हैं, तो आपको वो चेहरा लाना नहीं चाहिए था, या फिर मजबूरी ऐसी क्या आ गई? अगर हमारे मन में कोई ऐसी बात होती है, हम उनको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित नहीं करते। किस तरीके की बात, भ्रष्टाचार के उनके आरोप लगे हैं कि नहीं? आरोप तो राहुल गांधी जी पे भी लगे, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे भ्रष्टाचार के आरोप में जमानत पर छूटे, वो जाके प्रचार कर रहे हैं, तो आपके मतलब आप पे आरोप लगे हुए, ठीक, हमारे ऊपर जो हत्या का आरोप है, क्या जमीन हड़पने का आरोप है, क्या आरोप है? हाँ, बाडरा साहब पे लगा हो तो बताइए, नेशनल हेराल्ड जानते हैं आजादी के आंदोलन का अखबार है? नहीं, एक बात मैं बड़ा स्पष्ट करना, आजादी के आंदोलन, अरे उस परिवार से तुलना मत कीजिए, त्याग प्रतिबिंबित होता है। हाँ, त्याग की बात करें, बहुत अच्छी बात की आपने त्याग की, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ, एक बात समझ लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, नहीं बहुत सारे आपने सवाल किए, अभय जी आप जवाब, अभय जी आपने सारी देखिए उपलब्धियां गिनवाई, सारी मुद्दों बात किया, एक बार इनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर आइए सर, पूरा जवाब आपसे लेंगे। इतनी उपलब्धियों के बाद भी जनता जनार्दन होती है, जनता पूरा निर्णय करती है, ये 15 तारीख को इसका भी रिजल्ट आ जाएगा, फिर भी जनता हमें एक के बाद एक स्टेट, आज हम 19 स्टेट पर काबिज हैं, तो अपने विकास के मॉडल पे काबिज हैं, मोदी जी के नेतृत्व पे हम लोग उस पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर राहुल गांधी जी इतने सक्षम हैं, पिछले 25 चुनाव ये पहले हारे जब पार्टी के उपाध्यक्ष थे, अध्यक्ष बनने में 5 से 6 चुनाव ये हारने वाले हैं, हार गए हैं, अभी कर्नाटक हारने वाले हैं, उनको पदोन्नति करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, वंशवाद की पराकाष्ठा है। दूसरी बात, एक पार्टी ने 50 साल से ज्यादा देश में राज किया,
ठीक है आपने 50 साल, हम ये नहीं कहते कुछ नहीं किया, बहुत कुछ किया होगा अपने काम में, जब उस टाइम पे आप मुखिया थे, आप गवर्नमेंट चला रहे थे, आप ही करते, कोई दूसरा बाहर से तो आके करता नहीं उसको। लेकिन जो सत्ता पाने की जो छटपटाहट आपके अंदर, जो इतना इतनी ज्यादा छटपटा है, जैसे पानी के बिना मछली होती है भाई, 50 साल तो दूसरे लोगों ने भी धैर्य का सामना किया, आपको 4 साल में इतनी तकलीफ हो गई, इतनी तकलीफ हो गई कि आप ऐसे मुद्दे, आप ऐसे मुद्दे नहीं चला। देखिए आप ये मत बोलिए कि आपने धैर्य का सामना किया, अभी तो ये एक ओपन जंग होती है सर, आप जीतो, आप जीतो, जो सभी के, मैं तो बोलता हूँ देश की ये दुर्दशा है, एक छोटे से विधायक से आप पूछिए, वो नहीं चाहता है क्या मैं मुख्यमंत्री बनूं, छटपटाहट तो उसके अंदर भी होती है। सत्ता पाने के लिए इमरजेंसी लगा दो, अरे सत्ता के लिए इमरजेंसी लगा देंगे आप, इमरजेंसी का जो एक पर्टिकुलर पीरियड है, मैं उसको, उस चीज को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, और उसका रिजल्ट उनको मिला, ठीक है। लेकिन एक सत्ता पाने की, बीजेपी में मैं था वहां पे इंडिया टीवी के कॉन्क्लेव में, नितिन गडकरी जी ने सीना ठोक के बोला कि भाई हम चुनाव लड़ते हैं तो जीतने के लिए लड़ते हैं। मैं बोलता हूँ ये अच्छी बात है, आप सारे लोग एक्सेप्ट करो ना कि भाई हम चुनाव क्यों लड़ रहे हैं जी, सेवा करने, हम चुनाव जीतने के लिए ही तो लड़ रहे हैं, तो इसको एक्सेप्ट करने में, वो चीज, वो मनोभावना आपके अंदर भी है, सारे कैंडिडेट सारी पार्टियों के अंदर है, सब चाहते हैं कि भाई मैं जीतूं। ठीक है, चलिए डिबेट में नरेंद्र श्रीवास्तव जी को जोड़ लेते हैं, दोनों में फर्क है सर, नरेंद्र श्रीवास्तव जी को जोड़ लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीवास्तव जी, यहां पर जिस तरीके से कैंपेनिंग हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंतिम समय में लाया गया, कहीं ना कहीं यहां पर किसी तरीके का डर था बीजेपी के सामने, या फिर कांग्रेस जिस तरीके से चुनाव प्रचार जोरदार तरीके से कर रही थी, जितना एग्रेशन यहां पर राहुल गांधी में दिख रहा था, उसके लिए कोई विकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा नजर नहीं आ रहा था बीजेपी को? सर एक आकलन, एक मैं राहुल गांधी जी या नरेंद्र मोदी जी से अलग एक बात करना चाहता हूं। जी सर, अभी हमारे साथी लोग मुद्दों की बात कर रहे थे कि ये मुद्दा उठना चाहिए था, ये मुद्दा उठना चाहिए था, ये उठा ये नहीं उठा, वो भ्रष्ट, वो नहीं, वो ईमानदार, इस तरीके की बातें हो रही थी। मेरा मानना साफ है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में मैं जनता को सबसे ऊपर मानता हूं। ये मैं ये नहीं कहता कि जनता जो है वो जनता में सोच की कमी है या समझ की कमी है, मेरा यह मानना नहीं है, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जनता जिस दिन विकास के नाम पर वोट देना शुरू कर देगी, विकास के नाम पर ही वोट पड़ना शुरू होगा, चारों तरफ विकास ही विकास दिखाई पड़ेगा। वो कर्नाटक में, मुझे कर्नाटक के चुनाव के बारे में बहुत सारी, कर्नाटक के भौगोलिक स्थिति के बारे में मैं बहुत चीजें नहीं जानता, लेकिन जितना मैं जानता हूं थोड़ा बहुत, उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि कर्नाटक में भी धर्म और जाति को ऊपर करने की कोशिश की गई, खासतौर पर लिंगायत समाज को। मेरा ये कहने का मतलब है कि चुनाव के दौरान अगर कोई भी समाज हो, लिंगायत समाज की बात मैं नहीं करता हूं, कोई भी समाज अगर डेवलपमेंट पर वोट देना शुरू कर देगा, डेवलपमेंट ही मेन इशू बन जाएगा अगर जनता बना देगी, तो नेताओं की बाध्यता होगी कि वो धर्म और जात की बात न करें, वो उनमें आपस में कंपटीशन पैदा होगा कि मैं ज्यादा विकास करूंगा। मेरा मानना है कि जनता को विकास को ही मुद्दा बनाना चाहिए, विकास अगर मुद्दा बनेगा तो धर्म, क्षेत्र, जाति, ये सब गौण हो जाएंगे मुद्दे और जनता का विकास होगा, देश आगे चाहती तो है कि विकास मुद्दा हो, लेकिन मुद्दे यहां पर नेताओं की ओर से दे दिए जाते हैं कि आप इन मुद्दों पर बात कीजिए, इन मुद्दों पर चर्चा कीजिए। सर आपके पास लौटता हूं, इस बीच में कुछ तस्वीरें हम देख रहे हैं, बहुत सारे